हेलो दोस्तों, नमस्कार। मूवी हंटर्स में आपका स्वागत है और आपके लिए फिर एक नई हम फिल्म लेके आए हैं। इस फिल्म के हम स्टोरीज, रिव्यूज और फैक्ट के बारे में बात करेंगे। ऐसी ऐसी बातें जो शायद आपने पहले कभी ना सुनी हो। तो आइए, सबसे पहले आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमें इतना लाइक कर रहे हो, पसंद कर रहे हो। और साथ ही आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि हमें लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको नई नई फिल्मों के बारे में जानकारी प्राप्त होती रहे। आज की फिल्म की बात करें तो आज की हमारी एक बहुत ही पुरानी फिल्म है, लेकिन बहुत ही फेमस फिल्म। शायद आपने एक गाना सुना होगा, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं। तो इस गाने को सुनते ही आपको फिल्म का नाम याद आ गया होगा। जी हाँ, फिल्म का आज की का नाम है हीर राँझा। हीर राँझा जो 1970 में बनी हुई हिंदी फिल्म है और ये एक केतन आनंद द्वारा निर्मित और चेतन आनंद द्वारा निर्देशित फिल्म है। और इस फिल्म की मुख्य भूमिका में राजकुमार, प्रिया राजवंश, प्राण, पृथ्वीराज कपूर, अजीत जयचंद, सोनिया साहनी, कामनी शुक्ल, इंद्राणी मुखर्जी और साथ में तुन-तुन भी है। और जो फिल्म का संगीत जो है वो मदन मोहन मालवीय ने दिया है। और ये बॉक्स ऑफिस में बड़ी सुपरहिट फिल्म है। और ये जो फिल्म है ये एक कहानी पर आधारित है, हीर रांझा की। हीर रांझा एक महाकाव्य है जो हीर पंजाबी कवि द्वारा 1766 में लिखा गया है। वो पूरी की पूरी फिल्म इसमें एक कविता की तरह है। वो जो संवाद लिखे हैं कविता में कैफी आजमी के हैं। तो मैंने तो ये 3-4 बार ही फिल्म देखी, तो उतनी बार ही जितनी बार देखता हूँ उतनी बार अच्छी लगी। और इसके जो गाने संगीत तो बहुत ही अच्छे हैं, जिसके लिए चेतन आनंद के भी संग और इसकी जो फोटोग्राफी किया है वो जल मिस्त्री ने किया है। और इस फिल्म ने फिर अब बात करते हैं इस फिल्म की स्टोरी के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं इस फिल्म की स्टोरी। तो ये जो कहानी है इस फिल्म में, ये उस टाइम के जब भारत पाकिस्तान एक थे, अर्थात उनका बंटवारा नहीं हुआ। और जो हीर राँझा की जो अद्भुत प्रेम कहानी है ये पाकिस्तान से शुरू हुई। और राँझा का जन्म जो है पाकिस्तान में चिनाब नदी के पास तख्त हजारा नामक ग्राम में हुआ था। और उसका असली नाम डीडो था और राँझा तो उसका उपमान था। और राँझा के पिता उस गाँव के जमींदार थे, प्रमुख जमींदार, जिनका नाम जो चौधरी के नाम से फेमस थे। और ये चार भाई थे और ये सबसे छोटे थे चारों भाई। वो जो राँझा का रोल है वो राजकुमार जी ने किया हुआ है। उसके डायलॉग तो बड़े फेमस है राजकुमार जी के। वो चारों भाइयों में सबसे छोटे होने के कारण ये अपने पिता के सबसे ज़्यादा प्रिय पुत्र थे। इनके तीनों भाई अपनी खेती में कड़ी मेहनत करते थे, लेकिन पिता के अधिक लाडे होने के कारण अपने भाइयों के काम में हाथ ना बटा के हमेशा मासूरी बनाया करते थे। तो इन्हीं की वजह से इनके भाई इनको उतना प्यार और सम्मान नहीं देते थे, क्योंकि ये कुछ काम नहीं करते। जब इनकी 12 साल उम्र थी तो इनके पिताजी का साया उठ गया। कुछ बातों को लेकर उनका भाइयों में जो है विवाद हो गया। और वे जो है एक सारा दिन जो राँझा अपने एक पेड़ के नीचे बैठ के मसरू बचाया करता था और अपनी होने वाली शहजादी के बारे में सोचा करता था। तो बचपन से ऐसा था, उसे खुशबूदी से उसने मन में ना अपनी एक होने वाली पत्नी या शहजादी की मन में एक तस्वीर बना ली। वो सारा दिन उसी के बारे में सोचता रहता। तो एक बार वहां से एक पीर ने देखा और उसे पूछा कि तुम इतने दुखी क्यों। तो राँझा ने उन्हें वो अपना एक खुद का गीत सुनाया जिसमें उन्होंने बताया। तो उसने कहा कि भाई ये तुम्हारी शत्रुओं की शहजादी केवल हीर नाम की लड़की बनेगी। तो इतनी बात सुन के वो हीर की से मुलाकात करने चला गया। तो चलते चलते दूसरे गांव पहुंच गया जो हीर का गांव था। और हीर का जो जन्म था सियाल और जनजाति के संपन्न राजा जाट में, जाट परिवार में हुआ था। उस समय हीर को देखते थे सपनों की शहजादी है। तो उसने हीर के यहाँ जो है जाके वहाँ पे वो हीर को बात बताई। तो हीर की उसकी बहने वहने ने कुल मिला के उसको उसके घर पे ले गए, उसे राँझे को नौकरी पर रख लिया।
और रांझे को जो है वो उसका जो उसको भैंस भैंस होती है उनका, वैसे वो चराने का काम सौंप दिया, और वहीं चराता रहता तो वहीं वो बात सुनी भी जाता था। तो इसी बात को वो हीर का रांझे के प्रति प्यार बढ़ता गया, फिर इसी बात में जो इसके चाचा को पता लग गई, जो हीर के चाचा को पता लग गई, तो उसने अपनी ये बात उसके बता दी, अपने पूरे परिवार को बताई, तो उन्हें नौकरी से निकाल दिया, और साथ में जो है उसे बोल दिया कि भाई तुमने। लेकिन क्या है कि वो हीर के घर जब हीर को के पापा को पता लगता है इसके बाप, तो हीर जो है वहाँ पे उसका बाप उसकी शादी तय करने के बोलता है, ठीक है भाई हम तुम्हारी शादी ये कर देते हैं। तो उनके घर में बोलते हैं कि जाओ भाई तुम इस दिन के लिए सगाई ले आना है रांझे के घर से। तो रांझे के घर से वहाँ से चलते हैं, लेकिन जो उसका चाचा था हीर का, उसने क्या किया कि जैसे वो गांव में पहुंचे तो उसके आदमियों ने उसको पीट दिया, उसके घर वालों को। तो वो पहुंचे नहीं, उधर उसके चाचा ने उसके पिता से बोला कि भाई ऐसा है कि भाई वो तो आए नहीं है और अब तुम्हारी बेइज्जती होगी। तो फिर जो है उसने उससे तो सगाई छोड़ दी और रांझे को वहां से भगा दिया पूरी, और जो है उसकी शादी एक दूसरी जगह कर दी। तो उसने निकाह तो कर लिया मौलवी के दबाव में आके, लेकिन ये राजा दुखी हुआ और वहां से वो फकीर बन के चला गया। तो राजा इधर उधर खूब घूमता रहा, तो धीरे धीरे क्या हुआ उसने, तभी ये गाना चलता है, ये दुनिया ही में फिर मेरे काम की नहीं। तो ये घूमता घूमता ये उसी शहर में पहुंच जाता है, गांव में पहुंच जाता है जहाँ पे हीर की शादी हुई हुई रहती है। तो वहाँ जैसे ही ये भीख मांगने पहुंचता है, तो वो ये जोगी की आवाज़ सुनता है, तो वो पहचान लेती है। तो देखते रहते हैं, तो आता उठ के, तो एक बार ना वो बीमार हो जाती है, और जो है उसका कोई इलाज नहीं कर पाया हीर का, तो उसे फकीर के द्वारा ले जाते हैं। तो वहाँ इलाज करता है वो हीर को, तो वो एक्चुअली कुछ और ही रोग था, तो वो सही होने लगती है। लेकिन इस बात का पता उसकी ननंद को लग जाता है, जब ननंद को लग जाता है तो वो बताती है घर पे, तो ये वहाँ से भाग निकल जाते हैं, मतलब भाग जाते हैं। तो वहाँ पे ये पकड़ ले जाते हैं राजा के सिपाही द्वारा, वहाँ पे दरबार में पेश किया जाता है। तो राजा को ये अपनी पूरी कहानी बताते हैं। तो फिर वहाँ पे ये होता है कि राजा बोलता है भाई इस मौलवी को लाओ। तो हीर बोलते हैं भाई मैंने तो शादी निकाह के लिए वो ही नहीं किया था। तो वो बोलते मौलवी को जब राजा धमका के पूछता है, तो मौलवी सच बोल देता है कि हाँ मैंने मतलब लालच में आके और बोला था कि भाई इसने तो मना किया था, इसको मैंने हाँ बना दिया था। ठीक है, तो राजा बोलता है नहीं ये तो गलत है, तुमने ऐसा किया क्या। तो वो बोलता है ठीक है भाई तुम जाओ और एक दूसरे से ब्याह कर ले। ठीक है, तो अब क्या है कि वो विवाह की तैयारी होगी, हीर जो अपने घर आ राजा अपने घर, राजा जब बारात लेके आया तो वो शायद इनका निकाह हो गया। निकाह होने के बाद जो है तो उसका चाचा जो जो प्राण था प्राणी की निभाया उसका रोल, तो वहाँ पे वो आता है, तो उसे एक वो खिलाता है लड्डू, मतलब पेड़ा टाइप का होता है, और उसे खा लेती चलते हुए, तो उसमें क्या था जहर मिला होता है। ठीक है, तो वो डोली में बैठ जाती है और चले जाती है। जब वहाँ जाके डोली से उतारते हैं, तो वहाँ पे वहाँ हीर जो मरे हुए मिलती है। तो जैसे ही लोग देखते हैं ये क्या हुआ, तो राजा देखता है, तो राजा भी जो है अपनी जो तलवार वो होती है कटार होती है उसको उसको मार के अपने आप को अपने प्राण तोड़ देता है। तो इस प्रकार क्या होता है कि दोनों की दोनों लास्ट में जान दे देती है। तो ये पूरी कहानी है और ये पूरी का फिल्म है। आप बात करें फिल्म की बाकी की, तो इसमें फिल्म में जो है जो रांझे का रोल राजकुमार ने किया है, बात किस किसने क्या रोल किया है, तो प्रिया राजवंश जो इसमें हीर बनी है, प्राण छोटे छोटे बने मतलब इसके चाचा पृथ्वीराज कपूर वो राजा बने हैं, और जो शहीदा का रोल अजीत ने किया है और चौधरी जयंत बने हैं, और जो काजी का रोल है जो झूठ बोलता है वो जीवन ने किया है, और नाना पुलिस का जो है राजा का दीवान बना है, और जो तुनतुन है वो अल्लाह राखी बनी है, और इसमें जो है अंचला सचदेव सात पंचधन शोकत आजमी और पंत खन्ना और मनमोहन सिंह ने भी किया है। जो बात करें इसको तो इसमें किया है जो इसका निर्देश कला निर्देश है वो सौंदर राय ने किया है, और नृत्य निर्देशन जो है दूरदर्शन धीर गोपीशन ने किया है। अब बात करते हैं इसमें कौन कौन से गाने थे, तो गाने को तो बस पूछो मत, आप इतने अच्छे गाने थे, आप सुनो
मतलब आप 10 बार भी सुनोगे तो आपका मन करता रहेगा। तो उन गानों में जो था सबसे पहला, जो मिलो ना हम तो तुम घबराए, तो ये लता मंगेशकर ने गाना गाया था, और ये तब इनका प्यार था जब चलता था। और एक ये है दिल तो मत करो दिल से करो, ये भी लता मंगेशकर ने गाया है। डोरी चढ़ते ही ये भी लता मंगेशकर गाया है। मेरी धुनी में तुम आए हो ये भी लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में है। और साथ में तेरे कोचे में तेरा दीवाना, ये रफ़ी साहब की आवाज़ में है। क्या आवाज़ है। वो जो सबसे फेमस गाना है इस फिल्म का वो है ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की, इसको आवाज़ दी है रफ़ी साहब ने। और इसका लास्ट जो गाना है वह है नाचे आगे वे, तो ये बेगम शमशाद बेगम और जगदीश कौर ने। अब बात करें इसके फिल्म के जो पुरस्कारों की है, तो फिल्म का पुरस्कार उनको क्या क्या पुरस्कार मिले, तो सन 1971 में जो फिल्म फेयर अवार्ड है इस फिल्म को मिला है। और जो इस फिल्म के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफर का जो पुरस्कार मिलता है वो जल मिस्त्री को मिला इसी के लिए। और इसका जो पूरा का पूरा अभी मैंने आपको बताया, तो ये बहुत ही अच्छी फिल्म है, आपको जरूर देखनी चाहिए इस फिल्म को। पुरानी फिल्म है, जितने भी हीर रांझा के वर्जन बने हैं, तो मुझे तो इसमें सबसे अच्छा तो हीर रांझा का, मतलब एक ऋषि कपूर की भी बनी है हीर रांझा, वो एक तो और बनी है, कई वर्जन बन चुके हैं हीर रांझा की कहानी को लेकर, जो सबसे अच्छी जो फिल्म बनी है। जी हाँ, फिल्म का आज की का नाम है हीर रांझा। हीर रांझा जो 1970 में बनी हुई हिंदी फिल्म है, और ये एक केतन आनंद द्वारा निर्मित और चेतन आनंद द्वारा निर्देशित फिल्म है। और इस फिल्म की मुख्य भूमिका में राजकुमार, प्रिया राजवंश, प्राण पृथ्वीराज कपूर, अजीत जयचंद, सोनिया साहनी, कामनी शुक्ल, इंद्राणी मुखर्जी, और साथ में तुन तुन भी है। और जो फिल्म का संगीत जो है मदन मोहन मालवीय ने दिया है, और ये बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सुपरहिट फिल्म है। और ये जो फिल्म है ये एक कहानी पर आधारित है हीर रांझा की। हीर रांझा एक महाकाव्य है जो पंजाब जो हीर पंजाबी कई द्वारा 1766 में लिखा गया है। वो पूरी की पूरी फिल्म इसमें एक कविता की तरह है। वो जो संवाद लिखे हैं कविता में कैफी आजमी के हैं। तो मैंने तो ये 3-4 बार ये फिल्म देखी, तो उतनी बार ही जितनी बार देखता हूँ उतनी बार अच्छी लगी। और इसके जो गाने संगीत तो बहुत ही अच्छे हैं, जिसके लिए चेतन आनंद के भी सॉन्ग, और इसकी जो फोटोग्राफी किया है वो जल मिस्त्री ने किया है। और इस फिल्म ने फिर अब बात करते हैं इस फिल्म की स्टोरी के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं इस फिल्म की स्टोरी। तो ये जो कहानी है इस फिल्म में, ये उस टाइम की जब भारत पाकिस्तान एक थे, अर्थात उनका बंटवारा नहीं हुआ। और जो हीर रांझा की जो अद्भुत प्रेम कहानी है ये पाकिस्तान से शुरू हुई। और रांझा का जन्म जो है पाकिस्तान में चिनाब नदी के पास तख्त हजारा नामक ग्राम में हुआ था, और उसका असली नाम डीडो था और रांझा तो उसका उपमान था। और रांझा के पिता उस गांव के जमींदार थे, प्रमुख जमींदार, वो जिनका नाम जो चौधरी के नाम से फेमस थे। और ये 4 भाई थे और ये सबसे छोटे थे चारों भाई। और जो रांझा का रोल है वो राजकुमार जी ने किया हुआ है, उसके डायलॉग तो बड़े फेमस है राजकुमार जी के। वो चारों भाइयों में सबसे छोटे होने के कारण ये अपने पिता के सबसे ज्यादा प्रिय पुत्र थे। इनके तीनों भाई अपनी खेती में कड़ी मेहनत करते थे, लेकिन पिता के अधिक लाडले होने के कारण अपने भाइयों के काम में हाथ ना बटा के हमेशा बांसुरी बनाया करते थे। तो इन्हीं की वजह से इनके भाई इनको उतना प्यार और सम्मान नहीं देते थे, क्योंकि ये कुछ काम नहीं करते। जब इनकी 12 ही साल उम्र थी तो इनके पिताजी का साया उठ गया। कुछ बातों को लेकर उनका भाइयों में जो है विवाद हो गया, और वे जो है एक सारा दिन जो राजा है अपने एक पेड़ के नीचे बैठ के बांसुरी बजाया करता था और अपनी होने वाली शहजादी के बारे में सोचा करता था। तो बचपन से ऐसा था, उसे खुशबू से उसने मन में ना अपनी एक होने वाली पत्नी या शहजादी की मन में एक तस्वीर बना ली। वो सारा दिन उसी के बारे में सोचता रहता था। तो एक बार वहां से एक पीर ने देखा और उसे पूछा कि तुम इतने दुखी क्यों हो।
तो राजा ने उन्हें वो अपना एक खुद का गीत सुनाया जिसमें उन्होंने बताया। तो उसने कहा कि भाई ये तुम्हारी शत्रु की शहजादी केवल हीर नाम की लड़की बनेगी। तो इतनी बात सुन के वो हीर की से मुलाकात करने चला गया। तो चलते चलते दूसरे गांव पहुंच गया जो हीर का गांव था। और हीर का जो जन्म था सियाल जनजाति के संपन्न राजा जाट में जाट परिवार में हुआ था। उस समय हीर को देखते थे सपनों की शहजादी है। तो उसने हीर के यहाँ जो है जाके वहाँ पे वो हीर को बात बताई। तो हीर की उसकी बहने वहने ने कुल मिला के उसको उसके घर पे ले गए उसे रांझे को नौकरी पर रख लिया। और रांझे को जो है वो उसका जो उसको भैंस भैंस होती है उनका वैसे को चराने का काम सौंप दिया। और वहीं चराता रहता तो वहीं वो बांसुरी बजाता था। तो इसी बात को वो हीर का रांझे के प्रति प्यार बढ़ता गया। फिर इसी बात में जो इसके चाचा को पता लग गई जो हीर के चाचा को पता लग गई तो उसने अपनी ये बात उसके बता दी अपने पूरे परिवार को बताई। तो उन्हें नौकरी से निकाल दिया और साथ में जो है उसे बोल दिया कि भाई तुमने। लेकिन क्या है कि वो हीर के घर जब हीर को के पापा को पता लगता है इसके बाप तो हीर जो है वहाँ पे उसका बाप उसकी शादी तय करने के बोलता है ठीक है भाई हम तुम्हारी शादी कर देते हैं। तो उनके घर में बोलते हैं कि जाओ भाई तुम इस दिन के लिए सगाई ले आना है राजे के घर से। तो राजे के घर से वहाँ से चलते हैं। लेकिन जो उसका चाचा था हीर का उसने क्या किया कि जैसे वो गाँव में पहुंचे तो उसके आदमियों ने उसको पीट दिया उसके घर वालों को। तो वो पहुंचे नहीं उधर उसके चाचा ने उसके पिता से बोला कि भाई ऐसा है कि भाई वो तो आए नहीं है और अब तुम्हारी बेइज्जती होगी। तो फिर जो है उसने उससे तो सगाई छोड़ दी और रांझे को वहां से भगा दिया पूरी और जो है उसकी शादी एक दूसरी जगह कर दी। तो उसने निकाह तो कर लिया मौलवी के दबाव में आके। लेकिन ये राजा दुखी हुआ और वहां से वो फकीर बन के चला गया। तो राजा इधर उधर खूब घूमता रहा। तो धीरे धीरे क्या हुआ उसने तभी ये गाना चलता है ये दुनिया ही में फिर मेरे काम की नहीं। तो ये घूमता घूमता ये उसी शहर में पहुंच जाता है गांव में पहुंच जाता है जहाँ पे हीर की शादी हुई हुई रहती है। तो वहाँ जैसे ही ये भीख मांगने पहुंचता है तो वो ये जोगी की आवाज़ सुनता है तो वो पहचान लेती है। तो देखते रहते हैं तो वो आता उठ के। तो एक बार ना वो बीमार हो जाती है और जो है उसका कोई इलाज नहीं कर पाया हीर का। तो वो उसे फकीर के द्वारा ले जाते हैं तो वहाँ इलाज करता है वो हीर को। तो वो एक्चुअली कुछ और ही रोग था तो वो सही होने लगती है। लेकिन इस बात का पता उसकी ननंद को लग जाता है। जब ननंद को लग जाता है तो वो बताती है घर पे। तो ये वहाँ से भाग निकल जाते हैं मतलब भाग जाते हैं। तो वहाँ पे ये पकड़ ले जाते हैं राजा के सिपाही द्वारा वहाँ पे दरबार में पेश किया जाता है। तो राजा को ये अपनी पूरी कहानी बताते हैं। तो फिर वहाँ पे ये होता है कि राजा बोलता है भाई इस मौलवी को लाओ। तो हीर बोलते हैं भाई मैंने तो निकाह के लिए वही नहीं किया था। तो वो बोलते मौलवी को जब राजा धमका के पूछता है तो मौलवी सच बोल देता है कि हाँ मैंने मतलब लालच में आके और बोला था कि भाई इसने तो मना किया था इसको मैंने हाँ बना दिया था। ठीक है तो राजा बोलता है नहीं ये तो गलत है तुमने ऐसा किया क्या। तो वो बोलता है ठीक है भाई तुम जाओ और एक दूसरे से ब्याह कर ले। ठीक है तो अब क्या है कि वो विवाह की तैयारी होगी। हीर जो अपने घर राजा अपने घर राजा जब बारात लेके आया तो वो साथ इनका निकाह हो गया। निकाह होने के बाद जो है तो उसका चाचा जो जो प्राण था प्राणी की निभाया उसका रोल। तो वहाँ पे वो आता तो उसे एक वो खिलाता है लड्डू मतलब पेड़ा टाइप का होता है और उसे खा लेती चलते हुए। तो उसमें क्या होता है जहर मिला होता है। ठीक है तो वो डोली में बैठ जाती है और चले जाती है। जब वहाँ जाके डोली से उतारते हैं तो वहाँ पे वहाँ हीर जो मरे हुए मिलती है। तो जैसे ही लोग देखते हैं ये क्या हुआ तो राजा देखता है। तो राजा भी जो है अपनी जो तलवार वो होती है कटार होती है उसको उसको मार के अपने आप को अपने प्राण तोड़ देता है। तो इस प्रकार क्या होता है कि दोनों की दोनों लास्ट में जान दे देती है। तो ये पूरी कहानी है और ये पूरी का फिल्म है। आप बात करें फिल्म की बाकी की तो इसमें फिल्म में जो है जो रांझे का रोल राजकुमार ने किया है बात किस किस ने क्या रोल किया है तो प्रिया राजवंश जो इसमें हीर बनी है प्राण छोटे छोटे बनी मतलब इसके चाचा
पृथ्वीराज कपूर वो राजा बने हैं, और जो शहीदा का रोल अजीत ने किया है, और चौधरी जयंत बने हैं, और जो काजी का रोल है जो झूठ बोलता है वो जीवन ने किया है, और नाना पुलिस का जो है राजा का दीवान बना है, और जो तुनतुन है वो अल्लाह राखी बनी है, और इसमें जो है अंचला सचदेव, सात पंचतन, शोकत आजमी और पंत खन्ना और मनमोहन सिंह ने भी किया है। जो बात करें इसको तो इसमें किया है, जो इसका निर्देश कला निर्देश है वो सौंदर राय ने किया है, और नृत्य निर्देशन जो है दूरदर्शन धीर गोपी किशन ने किया है। अब बात करते हैं इसमें कौन कौन से गाने थे, तो गाने को तो बस पूछो मत, आप इतने अच्छे गाने थे, आप सुनो तो मतलब आप 10 बार भी सुनोगे तो आपका मन करता रहेगा। तो उन गानों में जो था सबसे पहला जो मिलो ना हम तो तुम घबराए, तो ये लता मंगेशकर ने गाना गाया था, और ये तब इनका प्यार था जब चलता था। और एक ये है दिल तो मत करो दिल से करो, ये भी लता मंगेशकर ने गाया है। डोरी चढ़ते ही ये भी लता मंगेशकर गाया है। मेरी धुनी में तुम आए हो, ये भी लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में है। और साथ में तेरे कोचे में तेरा दीवाना, ये रफ़ी साहब की आवाज़ में है। क्या आवाज़ है। वो जो सबसे फेमस गाना है इस फिल्म का वो है ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की, इसको आवाज़ दी है रफ़ी साहब ने। और इसका लास्ट जो गाना है वह है नाचे आगे वे, तो ये बेगम शमशाद बेगम और जगदीश कौर ने। अब बात करें इसके फिल्म के जो पुरस्कारों की है, तो फिल्म का पुरस्कार उनको क्या क्या पुरस्कार मिले, तो सन 1971 में जो फिल्म फेयर अवार्ड है इस फिल्म को मिला है, और जो इस फिल्म के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफर का जो पुरस्कार मिलता है वो जल मिस्त्री को मिला इसी के लिए। और इसका जो पूरा का पूरा अभी मैंने आपको बताया, तो ये बहुत ही अच्छी फिल्म है, आपको जरूर देखनी चाहिए इस फिल्म को, पुरानी फिल्म है। जितने भी हीर रांझा के वर्जन बने हैं, तो मुझे तो इसमें सबसे अच्छा तो हीर रांझा का मतलब एक ऋषि कपूर की भी बनी है हीर रांझा, वो एक तो और बनी है, कई वर्जन बन चुके हैं हीर रांझा की कहानी को लेकर। जो सबसे अच्छी जो फिल्म बनी है वो, जी हाँ, फिल्म का आज की का नाम है हीर रांझा। हीर रांझा जो 1970 में बनी हुई हिंदी फिल्म है, और ये एक केतन आनंद द्वारा निर्मित और चेतन आनंद द्वारा निर्देशित फिल्म है, और इस फिल्म की मुख्य भूमिका में राजकुमार, प्रिया राजवंश, प्राण, पृथ्वीराज कपूर, अजीत, जयचंद, सोनिया साहनी, कामनी शुक्ल, इंद्राणी मुखर्जी, और साथ में तुनतुन भी है। और जो फिल्म का संगीत जो है वो मदन मोहन मालवीय ने दिया है, और ये बॉक्स ऑफिस में बड़ी सुपरहिट फिल्म है। ये जो फिल्म है ये एक कहानी पर आधारित है हीर रांझा की। हीर रांझा एक महाकाव्य है जो जो हीर पंजाबी कवि द्वारा 1766 में लिखा गया है। वो पूरी की पूरी फिल्म इसमें एक कविता की तरह है, वो जो संवाद लिखे हैं कविता में कैफी आजमी के हैं। तो मैंने तो तीन चार बार ये फिल्म देखी, तो उतनी बार ही जितनी बार देखता हूँ उतनी बार अच्छी लगी। और इसके जो गाने संगीत तो बहुत ही अच्छे हैं, जिसके लिए चेतन आनंद के भी सॉन्ग, और इसकी जो फोटोग्राफी किया है वो जल मिस्त्री ने किया, और इस फिल्म ने फिर। अब बात करते हैं इस फिल्म की स्टोरी के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं इस फिल्म की स्टोरी। तो ये जो कहानी है इस फिल्म में, ये उस टाइम के जब भारत पाकिस्तान एक थे, अर्थात उनका बंटवारा नहीं हुआ। और जो हीर रांझा की जो अद्भुत प्रेम कहानी है ये पाकिस्तान से शुरू हुई, और रांझा का जन्म जो है पाकिस्तान में चिनाब नदी के पास तख्त हजारा नामक ग्राम में हुआ था, और उसका असली नाम डीडो था, और रांझा तो उसका उपमान था। और रांझा के पिता उस गांव के जमींदार थे, प्रमुख जमींदार, वो जिनका नाम जो चौधरी के नाम से फेमस थे। और ये चार भाई थे, और ये सबसे छोटे थे चारों भाई। और जो रांझा का रोल है वो राजकुमार जी ने किया हुआ है, उसके डायलॉग तो बड़े फेमस है राजकुमार जी के। और चारों भाइयों में सबसे छोटे होने के कारण ये अपने पिता के सबसे ज्यादा प्रिय थे। इनके तीनों भाई अपनी खेती में कड़ी मेहनत करते थे, लेकिन पिता के अधिक लाडले होने के कारण अपने भाइयों के काम में हाथ ना बटा के हमेशा बांसुरी बनाया करते थे। तो इन्हीं की वजह से इनके भाई इनको उतना प्यार और सम्मान नहीं देते थे, क्योंकि ये कुछ काम नहीं करते। जब
इनकी 12 ही सालों में थी तो इनके पिताजी का साया उठ गया। कुछ बातों को लेकर उनका भाइयों में जो है विवाद हो गया और वे जो है सारा दिन जो राजा अपने एक पेड़ के नीचे बैठ के बासुरी बजाया करता था और अपनी होने वाली शहजादी के बारे में सोचा करता था। तो बचपन से ऐसा था, उसे खुशबू से उसने मन में ना अपनी एक होने वाली पत्नी या शहजादी की मन में एक तस्वीर बना ली। वो सारा दिन उसी के मन बारे में सोचता रहता था। तो एक बार वहां से एक पीर ने देखा और उसे पूछा कि तुम इतने दुखी क्यों? तो राजा ने उन्हें वो अपना एक खुद का गीत सुनाया जिसमें उन्होंने बताया। तो उसने कहा कि भई ये तुम्हारी शत्रुओं की शहजादी केवल हीर नाम की लड़की बनेगी। तो इतनी बात सुन के वो हीर की से मुलाकात करने चला गया। तो चलते चलते दूसरे गांव पहुंच गया जो हीर का गांव था। और हीर का जो जन्म था सियाल जनजाति के संपन्न राजा जाट परिवार में हुआ था। उस समय हीर को देखते थे सपनों की शहजादी है। तो उसने हीर के यहाँ जो है जाके वहाँ पे वो हीर को बात बताई। तो हीर की उसकी बहने वहने ने कुल मिला के उसको घर पे ले गए, उसे रांझे को नौकरी पर रख लिया। और रांझे को जो है वो उसका जो उसको भैंस भैंस होती है उनका वैसे वो चराने का काम सौंप दिया। और वहीं चराता रहता तो वहीं वो बांसुरी बजाता था। तो इसी बात को वो हीर का रांझे के प्रति प्यार बढ़ता गया। फिर इसी बात में जो इसके चाचा को पता लग गई, जो हीर के चाचा को पता लग गई तो उसने अपनी ये बात उसके बता दी, अपने पूरे परिवार को बताई। तो उन्हें नौकरी से निकाल दिया और साथ में जो है उसे बोल दिया कि भाई तुमने। लेकिन क्या है कि वो हीर के घर जब हीर को के पापा को पता लगता है इसके बाप, तो हीर जो है वहाँ पे उसका बाप उसकी शादी तय करने को बोलता है, ठीक है भाई हम तुम्हारी शादी दे कर देते हैं। तो उनके घर में बोलते हैं कि जाओ भाई तुम इस दिन के लिए सगाई ले आना है रांझे के घर से। तो रांझे के घर से वहाँ से चलते हैं। लेकिन जो उसका चाचा था हीर का, उसने क्या किया कि जैसे वो गाँव में पहुंचे तो उसके आदमियों ने उसको पीट दिया उसके घर वालों को। तो वो पहुंचे नहीं उधर, उसके चाचा ने उसके पिता से बोला कि भाई ऐसा है कि भाई वो तो आए नहीं है और अब तुम्हारी बेइज्जती होगी। तो फिर जो है उसने उससे तो सगाई छोड़ दी और रांझे को वहां से भगा दिया पूरी, और जो है उसकी शादी एक दूसरी जगह कर दी। तो उसने निकाह तो कर लिया मौलवी के दबाव में आके, लेकिन ये राजा दुखी हुआ और वहां से वो फकीर बन के चला गया। तो राजा इधर उधर खूब घूमता रहा। तो धीरे धीरे क्या हुआ, उसने तभी ये गाना चलता है ये दुनिया ही में फिर मेरे काम की नहीं। तो ये घूमता घूमता ये उसी शहर में पहुंच जाता है, गांव में पहुंच जाता है जहाँ पे हीर की शादी हुई हुई रहती है। तो वहां जैसे ही ये भीख मांगने पहुंचता है तो वो ये जोगी की आवाज सुनता है तो वो पहचान लेती है। तो देखते रहते हैं तो वो आता उठ के। तो एक बार ना ही वो बीमार हो जाती है और जो है उसका कोई इलाज नहीं कर पाया हीर का। तो वो उसे फकीर के द्वारा ले जाते हैं। तो वहां इलाज करता है वो हीर को, तो वो एक्चुअली कुछ और ही रोग था तो वो सही होने लगती है। लेकिन इस बात का पता उसकी ननंद को लग जाता है। जब ननंद को लग जाता है तो वो बताती है घर पे। तो ये वहाँ से भाग निकल जाते हैं, मतलब भाग जाते हैं। तो वहाँ पे ये पकड़ ले जाते हैं राजा के सिपाही द्वारा, वहाँ पे दरबार में पेश किया जाता है। तो राजा को ये अपनी पूरी कहानी बताते हैं। तो फिर वहाँ पे ये होता है कि राजा बोलता है भाई इस मौलवी को लाओ। तो हीर बोलते भाई मैंने तो निकाह के लिए वो ही नहीं किया था। तो वो बोलते मौलवी को जब राजा धमका के पूछता है तो मौलवी सच बोल देता है कि हाँ मैंने मतलब लालच में आके और बोला था कि भाई इसने तो मना किया था, इसको मैंने हाँ बना दिया था। ठीक है, तो राजा बोलता नहीं भाई तो गलत है तुमने ऐसा किया क्या। तो वो बोलता है ठीक है भाई तुम जाओ और एक दूसरे से ब्याह कर ले। ठीक है, तो अब क्या है कि वो विवाह की तैयारी होगी। हीर जो अपने घर आया, राजा अपने घर, राजा जब बारात लेके आया तो वो साथ इनका निकाह हो गया। निकाह होने के बाद जो है तो उसका चाचा जो जो प्राण था प्राणी की निभाया उसका रोल। तो वहाँ पे वो आता है तो उसे एक वो खिलाता है लड्डू, मतलब पेड़ा टाइप का होता है और उसे खा लेती चलते हुए। तो उसमें क्या था, जहर मिला होता है। ठीक
ठीक है, तो वो डोली में बैठ जाती है और चले जाती है। जब वहां जाके डोली से उतारते हैं तो वहां पे तो हीरे जो मरे हुए मिलती है। तो जैसे ही लोग देखते हैं ये क्या हुआ, तो राजा देखता है, तो राजा भी जो है अपनी जो तलवार वो होती है कटार होती है उसको उसको मार के अपने आप को अपने प्लान तोड़ देता है। तो इस प्रकार क्या होता है कि दोनों की दोनों लास्ट में जान दे देती है। तो ये पूरी कहानी है और ये पूरी का फिल्म है। आप बात करें फिल्म की बाकी की, तो इसमें फिल्म में जो है जो रांझे का रोल राजकुमार ने किया है, बात किस किस ने क्या रोल किया है, तो प्रिया राजवंश जो इसमें हीर बनी है, प्राण छोटे छोटे बने, मतलब इसके चाचा पृथ्वीराज कपूर वो राजा बने हैं, और जो शहीदा का रोल अजीत ने किया है, और चौधरी जयंत बने हैं, और जो काजी का रोल है जो झूठ बोलता है वो जीवन ने किया है, और नाना पुलिस का जो है राजा का दीवान बना है, और जो तुनतुन है वो अल्लाह राखी बनी है, और इसमें जो है अंचला सचदेव, सात पंचतन, शोकत आजमी और पंत खन्ना और मनमोहन सिंह ने भी किया है। जो बात करें इसको तो इसमें किया है जो इसका निर्देश कला निर्देश है सुंदर राय ने किया है, और नृत्य निर्देशन जो है दूरदर्शन धीर गोपी किशन ने किया है। अब बात करते हैं इसमें कौन कौन से गाने थे, तो गाने के तो बस पूछो मत, आप इतने अच्छे गाने थे, आप सुनो मतलब आपका 10 बार भी सुनोगे तो आपका मन करता रहेगा। तो उन गानों में जो था सबसे पहला जो मिलो ना हम तो तुम घबराए, तो ये लता मंगेशकर ने गाना गाया था, और ये तब इनका प्यार था जब चलता था। और एक ये है दिल तो मत करो दिल से करो, ये भी लता मंगेशकर ने गाया है। डोली चढ़ते ही ये भी लता मंगेशकर गाया है। मेरी धुनी में तुम आए हो ये भी लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में है, और साथ में तेरे कोचे में तेरा दीवाना ये रफ़ी साहब की आवाज़ में है। क्या आवाज़ है। वो जो सबसे फेमस गाना है इस फिल्म का वो है ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की, इसको आवाज़ दी है रफ़ी साहब ने। और इसका लास्ट जो गाना है वह नाचे आगे वे, तो ये बेगम शमशाद बेगम और जगदीश कौर ने। अब बात करें इसको फिल्म के जो पुरस्कारों की है, तो फिल्म का पुरस्कार को क्या क्या पुरस्कार मिले, तो सन 1971 में जो फिल्म फेयर अवार्ड है इस फिल्म को मिला है, और जो इस फिल्म के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफर का जो पुरस्कार मिलता है वो जल मिस्त्री को मिला इसी के लिए। और इसका जो पूरा का पूरा अभी मैंने आपको बताया, तो ये बहुत ही अच्छी फिल्म है, आपको जरूर देखनी चाहिए इस फिल्म को, पुरानी फिल्म है। जितने भी हीर रांझा के वर्जन बने हैं तो मुझे तो इसमें सबसे अच्छा तो हीर रांझा का मतलब एक ऋषि कपूर की भी बनी है हीर रांझा, वो एक तो और बनी है, कई वर्जन बन चुके हैं हीर रांझा की कहानी को लेकर। जो सबसे अच्छी जो फिल्म बनी है वो जो मुझे अब जो मेरा अपना व्यू है, जी हाँ, फिल्म का आज की का नाम है हीर रांझा। हीर रांझा जो 1970 में बनी हुई हिंदी फिल्म है, और ये एक केतन आनंद द्वारा निर्मित और चेतन आनंद द्वारा निर्देशित फिल्म है, और इस फिल्म की मुख्य भूमिका में राजकुमार, प्रिया राजवंश, प्राण पृथ्वीराज कपूर, अजीत जयचंद, सोनिया साहनी, कामनी शुक्ल, इंद्राणी मुखर्जी, और साथ में तुनतुन भी है। और जो फिल्म का संगीत जो है मदन मोहन मालवीय ने दिया है, और ये बॉक्स ऑफिस में बड़ी सुपरहिट फिल्म है। ये जो फिल्म है ये एक कहानी पर आधारित है हीर रांझा की। हीर रांझा एक महाकाव्य है जो पंजाब जो हीर पंजाबी कवि द्वारा 1766 में लिखा गया है। वो पूरी की पूरी फिल्म इसमें एक कविता की तरह है, वो जो संवाद लिखे हैं कविता में कैफी आजमी के हैं। तो मैंने तो ये 3-4 बार ये फिल्म देखी, तो उतनी बार ही जितनी बार देखता हूँ उतनी बार अच्छी लगी। और इसके जो गाने संगीत तो बहुत ही अच्छे हैं, जिसके लिए चेतन आनंद के जी सांग, और इसकी जो फोटोग्राफी किया है वो जल मिस्त्री ने किया है, और इस फिल्म ने फिर। अब बात करते हैं इस फिल्म की स्टोरी के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं इस फिल्म की स्टोरी। तो ये जो कहानी है इस फिल्म में, ये उस टाइम के जब भारत पाकिस्तान एक थे, अर्थात उनका बंटवारा नहीं हुआ, और जो हीर रांझा की जो अद्भुत प्रेम कहानी है ये पाकिस्तान से शुरू हुई, और रांझा का जन्म जो है पाकिस्तान में चिनाब नदी के पास तख्त हजारा नामक ग्राम में हुआ था, और उसका असली नाम डीडो था,
और राजा तो उसका उपमान था। और राजा के पिता उस गांव के जमींदार थे, प्रमुख जमींदार, और जिनका नाम जो चौधरी के नाम से फेमस थे। और ये चार भाई थे और ये सबसे छोटे थे चारों भाई। और जो राजा का रोल है वो राजकुमार जी ने किया हुआ है। उसके डायलॉग तो बड़े फेमस है राजकुमार जी के। और चारों भाइयों में सबसे छोटे होने के कारण ये अपने पिता के सबसे ज्यादा प्रिय पुत्र थे। इनके तीनों भाई अपनी खेती में कड़ी मेहनत करते थे, लेकिन पिता के अधिक लाड़े होने के कारण अपने भाइयों के काम में हाथ ना बटा के हमेशा बांसुरी बनाया करते थे। तो इन्हीं की वजह से इनके भाई इनको उतना प्यार और सम्मान नहीं देते थे, क्योंकि ये कुछ काम नहीं करते। जब इनकी 12 साल उम्र थी तो इनके पिताजी का साया उठ गया। कुछ बातों को लेकर उनका भाइयों में जो है विवाद हो गया। और वे जो है एक सारा दिन जो राजा है अपने एक पेड़ के नीचे बैठ के बांसुरी बजाया करता था और अपनी होने वाली शहजादी के बारे में सोचा करता था। तो बचपन से ऐसा था, उसे खुशबू से उसने मन में ना अपनी एक होने वाली पत्नी या शहजादी की मन में एक तस्वीर बना ली। वो सारा दिन उसी के मन बारे में सोचता रहता। तो एक बार वहां से एक पीर ने देखा और उसे पूछा कि तुम इतने दुखी क्यों? तो राजा ने उन्हें वो अपना एक खुद का गीत सुनाया, जिसमें उन्होंने बताया। तो उसने कहा कि भई ये तुम्हारी शत्रु की शहजादी केवल हीर नाम की लड़की बनेगी। तो इतनी बात सुन के वो हीर की से मुलाकात करने चला गया। तो चलते चलते दूसरे गांव पहुंच गया जो हीर का गांव था। और हीर का जो जन्म था सियाल जनजाति के संपन्न राजा जाट में जाट परिवार में हुआ था। उस समय हीर को देखते थे सपनों की सजा दी है। तो उसने हीर के यहाँ जो है जाके वहाँ पे वो हीर को बात बताई। तो हीर की उसकी बहने वहने ने कुल मिला के उसको उसके घर पे ले गए, उसे रांझे को नौकरी पर रख लिया। और रांझे को जो है वो उसका जो उसको भैंस भैंस होती है उनका वैसे चराने का काम सौंप दिया। और वहीं चराता रहता तो वहीं वो बांसुरी बजाता था। तो इसी बात को वो हीर का रांझे के प्रति प्यार बढ़ता गया। फिर इसी बात में जो इसके चाचा को पता लग गई, जो हीर के चाचा को पता लग गई, तो उसने अपनी ये बात उसके बता दी, अपने पूरे परिवार को बताई। तो उन्हें नौकरी से निकाल दिया और साथ में जो है उसे बोल दिया कि भाई तुमने। लेकिन क्या है कि वो हीर के घर जब हीर को के पापा को पता लगता है इसके बाप, तो हीर जो है वहाँ पे उसका बाप उसकी शादी तय करने को बोलता है, ठीक है भाई हम तुम्हारी शादी कर देते हैं। तो उनके घर में बोलते हैं कि जाओ भाई तुम इस दिन के लिए सगाई ले आना है राजे के घर से। तो राजे के घर से वहां से चलते हैं। लेकिन जो उसका चाचा था हीर का, उसने क्या किया कि जैसे वो गांव में पहुंचे तो उसके आदमियों ने उसको पीट दिया, उसके घर वालों को। तो वो पहुंचे नहीं उधर, उसके चाचा ने उसके पिता से बोला कि भाई ऐसा है कि भाई वो तो आए नहीं है और अब तुम्हारी बेइज्जती होगी। तो फिर जो है उसने उससे तो सगाई छोड़ दी और रांझे को वहां से भगा दिया पूरी, और जो है उसकी शादी एक दूसरी जगह कर दी। तो उसने निकाह तो कर लिया मौलवी के दबाव में आके, लेकिन ये राजा दुखी हुआ और वहां से वो फकीर बन के चला गया। तो राजा इधर उधर खूब घूमता रहा। तो धीरे धीरे क्या हुआ, उसने तभी ये गाना चलता है ये दुनिया ही में फिर मेरे काम की नहीं। तो ये घूमता घूमता ये उसी शहर में पहुंच जाता है, गांव में पहुंच जाता है जहाँ पे हीर की शादी हुई हुई रहती है। तो वहां जैसे ये भीख मांगने पहुंचता है तो वो ये जोगी की आवाज सुनता है तो वो पहचान लेती है। तो देखते रहते हैं तो वो आता उठ के। तो एक बार ना ही वो बीमार हो जाती है और जो है उसका कोई इलाज नहीं कर पाया हीर का। तो वो उसे फकीर के द्वारा ले जाते हैं तो वहाँ इलाज करता है वो हीर को। तो वो एक्चुअली कुछ और ही रोग था तो वो सही होने लगती है। लेकिन इस बात का पता उसकी ननंद को लग जाता है। जब ननंद को लग जाता है तो वो बताती है घर पे। तो ये वहां से भाग निकल जाते हैं, मतलब भाग जाते हैं। तो वहां पे ये पकड़ ले जाते हैं राजा के सिपाही द्वारा, वहां पे दरबार में पेश किया जाता है। तो राजा को ये अपनी पूरी कहानी बताते हैं। तो फिर वहां पे ये होता है कि राजा बोलता है भाई इस मौलवी को लाओ। तो हीर बोलते भाई मैंने तो शादी निकाह के लिए वो ही नहीं किया था। तो वो बोलते मौलवी को जब राजा धमका के पूछता है तो मौलवी सच बोल देता है
कि हाँ मैंने मतलब लालच में आके और बोला था कि भी इसने तो मना किया था, इसको मैंने हाँ बना दिया था। ठीक है, तो राजा बोलता है नहीं ये तो गलत है, तुमने ऐसा किया क्या? तो वो बोलता है ठीक है भैया, तुम दोनों जाओ और एक दूसरे से ब्याह कर ले। ठीक है, तो अब क्या है कि वो विवाह की तैयारी होगी, जो अपने घर आ राजा, अपने घर राजा जब बारात लेके आया तो वो साथ इनका निकाह हो गया। निकाह होने के बाद जो है तो उसका चाचा जो जो प्राण था, प्राणी की निभाया उसका रोल, तो वहाँ पे वो आता है तो उसे एक वो खिलाता है लड्डू, मतलब पेड़ा टाइप का होता है, और उसे खा लेती चलते हुए, तो उसमें क्या होता है जहर मिला होता है। ठीक है, तो वो डोली में बैठ जाती है और चले जाती है। जब वहाँ जाके डोली से उतारते हैं तो वहाँ पे तो हीरे जो मरे हुए मिलती है। तो जैसे ही लोग देखते हैं ये क्या हुआ, तो राजा देखता है, तो राजा भी जो है अपनी जो तलवार वो होती है कटार होती है उसको उसको मार के अपने आप को अपने में प्राण तोड़ देता है। तो इस प्रकार क्या होता है कि दोनों की दोनों लास्ट में जान दे देती है। तो ये पूरी कहानी है और ये पूरी का फिल्म है। आप बात करें फिल्म की बाकी की, तो इसमें फिल्म में जो है जो रांझे का रोल राजकुमार ने किया है, बात किस किसने क्या रोल किया है, तो प्रिया राजवंश जो इसमें हीर बनी है, प्राण छोटे छोटे बने, मतलब इसके चाचा पृथ्वीराज कपूर वो राजा बने हैं, और जो शहीदा का रोल अजीत ने किया है, और चौधरी जयंत बने हैं, और जो काजी का रोल है जो झूठ बोलता है वो जीवन ने किया है, और नाना पुलिस का जो है राजा का दीवान बना है, और जो तुनतुन है वो अल्लाह राखी बनी है, और इसमें जो है अंचला सचदेव, सात पंचधन, शोकत आजमी और पंत खन्ना और मनमोहन सिंह ने भी किया है। जो बात करें इसको तो इसमें किया है जो इसका निर्देश कला निर्देशक सौंदर राय ने किया है, और नृत्य निर्देशन जो है दूरदर्शन धीर गोपी किशन ने किया है। अब बात करते हैं इसमें कौन कौन से गाने थे, तो गाने को तो बस पूछो मत, आप इतने अच्छे गाने थे, आप सुनो मतलब आपका 10 बार भी सुनोगे तो आपका मन करता रहेगा। तो उन गानों में जो था सबसे पहला जो मिलो ना हम तो तुम घबराए, तो ये लता मंगेशकर ने गाना गाया था, और ये तब इनका प्यार था जब चलता था। और एक ये है दिल तो मत करो दिल से करो, ये भी लता मंगेशकर ने गाया है। डोरी चढ़ते ही ये भी लता मंगेशकर गाया है। मेरी धुनी में तुम आए हो ये भी लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में है, और साथ में तेरे कोचे में तेरा दीवाना ये रफ़ी साहब की आवाज़ में है। क्या आवाज़ है! वो जो सबसे फेमस गाना है इस फिल्म का वो है ये दुनिया ये महफिल में काम की, इसको आवाज़ दी है रफ़ी साहब ने। और इसका लास्ट जो गाना है वह नाचे आगे वे, तो ये बेगम शमशाद बेगम और जगदीश कौर ने। अब बात करें इसके फिल्म के जो पुरस्कारों की है, तो फिल्म का पुरस्कार उनको क्या क्या पुरस्कार मिले, तो सन 1971 में जो फिल्म फेयर अवार्ड है इस फिल्म को मिला है, और जो इस फिल्म के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफर का जो पुरस्कार मिलता है वो जल मिस्त्री को मिला इसी के लिए। और इसका जो पूरा का पूरा अभी मैंने आपको बताया, तो ये बहुत ही अच्छी फिल्म है, आपको जरूर देखनी चाहिए इस फिल्म को, पुरानी फिल्म है। जितने भी हीर रांझा के वर्जन बने हैं, तो मुझे तो इसमें सबसे अच्छा तो हीर रांझा का मतलब एक ऋषि कपूर की भी बनी है हीर रांझा, वो एक तो और बनी है, कई वर्जन बन चुके हैं हीर रांझा की कहानी को लेकर। जो सबसे अच्छी जो फिल्म बनी है वो जो मुझे अब, जी हाँ, फिल्म का आज की का नाम है हीर रांझा। हीर रांझा जो 1970 में बनी हुई हिंदी फिल्म है, और ये एक केतन आनंद द्वारा निर्मित और चेतन आनंद द्वारा निर्देशित फिल्म है, और इस फिल्म की मुख्य भूमिका में राजकुमार, प्रिया राजवंश, प्राण पृथ्वीराज कपूर, अजीत जयचंद, सोनिया साहनी, कामनी शुक्ल, इंद्राणी मुखर्जी, और साथ में तुन तुन भी है। और जो फिल्म का संगीत जो है मदन मोहन मालवीय ने दिया है, और ये बॉक्स ऑफिस में बड़ी सुपरहिट फिल्म है। ये जो फिल्म है ये एक कहानी पर आधारित है हीर रांझा की। हीर रांझा एक महाकाव्य है जो पंजाब जो हीर पंजाबी कवि द्वारा 1766 में लिखा गया है। वो पूरी की पूरी फिल्म इसमें एक कविता की तरह है, वो जो संवाद लिखे हैं कविता में कैफी आजमी के हैं। तो मैंने तो ये
तीन चार बार ये फिल्म देखी, उतनी बार ही, जितनी बार देखता हूँ उतनी बार अच्छी लगी। और इसके जो गाने संगीत तो बहुत ही अच्छे हैं, जिसके लिए चेतन आनंद के भी सॉन्ग, और इसकी जो फोटोग्राफी किया है वो जन्मेस्त्री ने किया है। और इस फिल्म ने फिर अब बात करते हैं इस फिल्म की स्टोरी के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं इस फिल्म की स्टोरी। तो ये जो कहानी है इस फिल्म में, ये उस टाइम के जब भारत पाकिस्तान एक थे, अर्थात उनका बंटवारा नहीं हुआ, और जो हीर रांझा की जो अद्भुत प्रेम कहानी है ये पाकिस्तान से शुरू हुई। और रांझा का जन्म जो है पाकिस्तान में चिनाब नदी के पास तख्त हजारा नामक ग्राम में हुआ था, और उसका असली नाम डीडो था और रांझा तो उसका उपनाम था। और रांझा के पिता उस गांव के जमींदार थे, प्रमुख जमींदार, और जिनका नाम जो चौधरी के नाम से फेमस थे। और ये चार भाई थे और ये सबसे छोटे थे चारों भाई। और जो रांझा का रोल है वो राजकुमार जी ने किया हुआ है, उसके डायलॉग तो बड़े फेमस है राजकुमार जी के। और चारों भाइयों में सबसे छोटे होने के कारण ये अपने पिता के सबसे ज्यादा प्रिय पुत्र थे। इनके तीनों भाई अपनी खेती में कड़ी मेहनत करते थे, लेकिन पिता के अधिक लाड़े होने के कारण अपने भाइयों के काम में हाथ ना बटा के हमेशा बांसुरी बजाया करते थे। तो इन्हीं की वजह से इनके भाई इनको उतना प्यार और सम्मान नहीं देते थे, क्योंकि ये कुछ काम नहीं करते। जब इनकी 12 ही साल उम्र थी तो इनके पिताजी का साया उठ गया। कुछ बातों को लेकर उनका भाइयों में जो है विवाद हो गया, और वे जो है सारा दिन जो राजा है अपने एक पेड़ के नीचे बैठ के बांसुरी बजाया करता था, और अपनी होने वाली शहजादी के बारे में सोचा करता था। तो वो बचपन से ऐसा था, उसे खुशबू से उसने मन में ना अपनी एक होने वाली पत्नी या शहजादी की मन में एक तस्वीर बना ली। वो सारा दिन उसी के मन बारे में सोचता रहता। तो एक बार वहां से एक पीर ने देखा और उसे पूछा कि तुम इतने दुखी क्यों? तो राजा ने उन्हें वो अपना एक खुद का गीत सुनाया, जिसमें उन्होंने बताया। तो उसने कहा कि भई ये तुम्हारी शत्रु की शहजादी केवल हीर नाम की लड़की बनेगी। तो इतनी बात सुन के वो हीर की से मुलाकात करने चला गया। तो चलते चलते दूसरे गांव पहुंच गया जो हीर का गांव था। और हीर का जो जन्म था सियाल जनजाति के संपन्न राजा जाट में, जाट परिवार में हुआ था। उस समय हीर को देखते थे सपनों की शहजादी है। तो उसने हीर के यहाँ जो है जाके वहाँ पे वो हीर को बात बताई, तो हीर की उसकी बहने वहने ने कुल मिला के उसको उसके घर पे ले गए, उसे रांझे को नौकरी पर रख लिया। और रांझे को जो है वो उसका जो उसको भैंस भैंस होती है उनका, वैसे चराने का काम सौंप दिया। और वहीं चराता रहता तो वहीं वो बांसुरी बजाता था। तो इसी बात को वो हीर का रांझे के प्रति प्यार पड़ता गया। फिर इसी बात में जो इसके चाचा को पता लग गई, जो हीर के चाचा को पता लग गई, तो उसने अपनी ये बात उसके बता दी, अपने पूरे परिवार को बताई। तो उन्हें नौकरी से निकाल दिया और साथ में जो है उसे बोल दिया कि भाई तुमने। लेकिन क्या है कि वो हीर के घर जब हीर को के पापा को पता लगता है इसके बाप, तो हीर जो है वहाँ पे उसका बाप उसकी शादी तय करने को बोलता है, ठीक है भाई हम तुम्हारी शादी ये कर देते हैं। तो उनके घर में बोलते हैं कि जाओ भाई तुम इस दिन के लिए सगाई ले आना है रांझे के घर से। तो रांझे के घर से वहाँ से चलते हैं, लेकिन जो उसका चाचा था हीर का, उसने क्या किया कि जैसे वो गाँव में पहुंचे तो उसके आदमियों ने उसको पीट दिया, उसके घर वालों को। तो वो पहुंचे नहीं उधर, उसके चाचा ने उसके पिता से बोला कि भाई ऐसा है कि भाई वो तो आए नहीं है और अब तुम्हारी बेइज्जती होगी। तो फिर जो है उसने उससे तो सगाई छोड़ दी और रांझे को वहां से भगा दिया पुलिस, और जो है उसकी शादी एक दूसरी जगह कर दी। तो उसने निकाह तो कर लिया मौलवी के दबाव में आके, लेकिन ये राजा दुखी हुआ और वहां से वो फकीर बन के चला गया। तो राजा इधर उधर खूब घूमता रहा। तो धीरे धीरे क्या हुआ, उसने तभी ये गाना चलता है, ये दुनिया ही में फिर मेरे काम की नहीं। तो ये घूमता घूमता ये उसी शहर में पहुंच जाता है, गांव में पहुंच जाता है जहाँ पे हीर की शादी हुई हुई रहती है। तो वहाँ जैसे ही ये भीख मांगने पहुँचता है तो वो ये जोगी की आवाज़ सुनता है, तो वो पहचान लेती है। तो देखते रहते हैं, तो वो आता उठ के। तो एक बार ना वो बीमार हो जाती है, और जो है
उसका कोई इलाज नहीं कर पाया हीर का, तो उसे फकीर के द्वारा ले जाते हैं, तो वहाँ इलाज करता है वो। हीर को तो अच्छा कुछ और ही रोग था, तो वो सही होने लगती है। लेकिन इस बात का पता उसकी ननंद को लग जाता है। जब ननंद को लग जाता है तो वो बताती है घर पे, तो ये वहाँ से भाग निकल जाते हैं, मतलब भाग जाते हैं। तो वहाँ पे ये पकड़ ले जाते हैं राजा के सिपाही द्वारा, वहाँ पे दरबार में पेश किया जाता है। तो राजा को ये अपनी पूरी कहानी बताते हैं। तो फिर वहाँ पे ये होता है कि राजा बोलता है भाई इस मौलवी को लाओ। तो हीर बोलते हैं भाई मैंने तो शादी निकाह के लिए वो ही नहीं किया था। तो वो बोलते मौलवी को जब राजा धमका के पूछता है, तो मौलवी सच बोल देता है कि हाँ मैंने मतलब लालच में आके और बोला था कि भाई इसने तो मना किया था, इसको मैंने हाँ बना दिया था। ठीक है, तो राजा बोलता है नहीं भाई तो गलत है, तुमने ऐसा किया क्या? तो वो बोलता है ठीक है भाई तुम जाओ और एक दूसरे से ब्याह कर ले। ठीक है, तो अब क्या है कि वो विवाह की तैयारी होगी। ही जो अपने घर आ राजा अपने घर राजा जब बारात लेके आया, तो वो साथ इनका निकाह हो गया। निकाह होने के बाद जो है, तो उसका चाचा जो जो प्राण था, प्राणी की निभाया उसका रोल, तो वहाँ पे वो आता है, तो उसे एक वो खिलाता है लड्डू, मतलब पेड़ा टाइप का होता है, और उसे खा लेती चलते हुए। तो उसमें क्या था, जहर मिला होता है। ठीक है, तो वो डोली में बैठ जाती है और चले जाती है। जब वहाँ जाके डोली से उतारते हैं, तो वहाँ पे वो हीर जो मरी हुई मिलती है। तो जैसे ही लोग देखते हैं ये क्या हुआ, तो राजा देखता है, तो राजा भी जो है अपनी जो तलवार वो होती है कटार होती है, उसको उसको मार के अपने आप को अपने भी प्राण तोड़ देता है। तो इस प्रकार क्या होता है कि दोनों के दोनों लास्ट में जान दे देते हैं। तो ये पूरी कहानी है और ये पूरी का फिल्म है। आप बात करें फिल्म की बाकी की, तो इसमें फिल्म में जो है जो रांझे का रोल राजकुमार ने किया है, बात किस किसने क्या रोल किया है, तो प्रिया राजवंश जो इसमें हीर बनी है, प्राण छोटे छोटे बने, मतलब इसके चाचा पृथ्वीराज कपूर वो राजा बने हैं, और जो शहीदा का रोल अजीत ने किया है, और चौधरी जयंत बने हैं, और जो काजी का रोल है जो झूठ बोलता है वो जीवन ने किया है, और नाना पुलिस का जो है राजा का दीवान बना है, और जो तुनतुन है वो अल्लाह राखी बनी है, और इसमें जो है अंचला सचदेव, सात पंचधन, सोकट आजमी और पंत खन्ना और मनमोहन सिंह ने भी किया है। जो बात करें इसको, तो इसमें किया है जो इसका निर्देश कला निर्देश है वो सौंदर राय ने किया है, और नृत्य निर्देशन जो है दूरदर्शन धीर गोपी किशन ने किया है। अब बात करते हैं इसमें कौन कौन से गाने थे। तो गाने को तो बस पूछो मत, आप इतने अच्छे गाने थे, आप सुनो मतलब आपका 10 बार भी सुनोगे तो आपका मन करता रहेगा। तो उन गानों में जो था सबसे पहला जो मिलो ना हम तो तुम घबराए, तो ये लता मंगेशकर ने गाना गाया था, और ये तब इनका प्यार था जब चलता था। और एक ये है दिल तो मत करो दिल से करो, ये भी लता मंगेशकर ने गाया है। डोली चढ़ते ही ये भी लता मंगेशकर गाया है। मेरी धुनी में तुम आए हो, ये भी लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में है। और साथ में तेरे कोचे में तेरा दीवाना, ये रफ़ी साहब की आवाज़ में है। क्या आवाज़ है! वो जो सबसे फेमस गाना है इस फिल्म का वो है ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की, इसको आवाज़ दी है रफ़ी साहब ने। और इसका लास्ट जो गाना है वह नाचे आगे बे, तो ये बिकम शमशाद बेगम और जगदीश कौर ने। अब बात करें इसके फिल्म के जो पुरस्कारों की है, तो फिल्म का पुरस्कार को क्या क्या पुरस्कार मिले। तो सन 1971 में जो फिल्म फेयर अवार्ड है इस फिल्म को मिला है, और जो इस फिल्म के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफर का जो पुरस्कार मिलता है वो जल मिस्त्री को मिला है इसी के लिए। और इसका जो पूरा का पूरा अभी मैंने आपको बताया, तो ये बहुत ही अच्छी फिल्म है, आपको जरूर देखनी चाहिए इस फिल्म को। पुरानी फिल्म है, जितने भी हीर रांझा के वर्जन बने हैं, तो मुझे तो इसमें सबसे अच्छा तो हीर रांझा का, मतलब एक ऋषि कपूर की भी बनी है हीर रांझा, वो एक तो और बनी है, कई वर्जन बन चुके हैं रंजा की कहानी को लेकर। जो सबसे अच्छी जो फिल्म बनी है वो, जी हाँ, फिल्म का आज की का नाम है हीर राजा। हीर राजा जो 1970 में बनी हुई हिंदी फिल्म है, और ये एक केतन आनंद द्वारा निर्मित और चेतन आनंद द्वारा निर्देशित फिल्म है। और इस फिल्म की मुख्य भूमिका में राजकुमार, प्रिया राजवंश, प्राण पृथ्वीराज कपूर,
अजीत, जयचंद, सोनिया साहनी, कामनी शुक्ल, इंद्राणी मुखर्जी और साथ में तुन तुन भी है। और जो फिल्म का संगीत जो है वो मदन मोहन मालवीय ने दिया है और ये बॉक्स ऑफिस में बड़ी सुपरहिट फिल्म है। और ये जो फिल्म है ये एक कहानी पर आधारित है, हीर रांझा की। हीर रांझा एक महाकाव्य है जो पंजाब जो हीर पंजाबी कवि द्वारा 1766 में लिखा गया है। वो पूरी की पूरी फिल्म इसमें एक कविता की तरह है। वो जो संवाद लिखे हैं कविता में कैफी आजमी के, तो मैंने तो ये 3-4 बार ये फिल्म देखी। जो उतनी बार ही जितनी बार देखता हूँ उतनी बार अच्छी लगी। और इसके जो गाने संगीत तो बहुत ही अच्छे हैं, जिसके लिए चेतनानंद के जी सांग। और इसकी जो फोटोग्राफी किया है वो जलमिस्त्री ने किया। और इस फिल्म ने फिर अब बात करते हैं इस फिल्म की स्टोरी के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं इस फिल्म की स्टोरी। तो ये जो कहानी है इस फिल्म में, ये उस टाइम के जब भारत पाकिस्तान एक थे, अर्थात उनका बंटवारा नहीं हुआ। और जो हीर रांझा की जो अद्भुत प्रेम कहानी है, ये पाकिस्तान से शुरू हुई। और रांझा का जन्म जो है पाकिस्तान में चिनाब नदी के पास तख्त हजारा नामक ग्राम में हुआ था। और उसका असली नाम डीडो था और रांझा तो उसका उपमान था। और रांझा के पिता उस गांव के जमींदार थे, प्रमुख जमींदार, और जिनका नाम जो चौधरी के नाम से फेमस थे। और ये 4 भाई थे और ये सबसे छोटे थे चारों भाई। और जो रांझा का रोल है वो राजकुमार जी ने किया हुआ है। उसके डायलॉग तो बड़े फेमस है राजकुमार जी के। और चारों भाइयों में सबसे छोटे होने के कारण ये अपने पिता के सबसे ज्यादा प्रिय थे। इनके तीनों भाई अपनी खेती में कड़ी मेहनत करते थे, लेकिन पिता के अधिक लाड़े होने के कारण अपने भाइयों के काम में हाथ ना बटा के हमेशा बांसुरी बजाया करते थे। तो इन्हीं की वजह से इनके भाई इनको उतना प्यार और सम्मान नहीं देते थे, क्योंकि ये कुछ काम नहीं करते। जब इनकी 12 ही साल उम्र थी तो इनके पिताजी का साया उठ गया। कुछ बातों को लेकर उनका भाइयों में जो है विवाद हो गया। और वे जो है एक सारा दिन जो राजा है अपने एक पेड़ के नीचे बैठ के बांसुरी बजाया करता था और अपनी होने वाली शहजादी के बारे में सोचा करता था। तो वो बचपन से ऐसा था, उसे खुशबू से उसने मन में ना अपनी एक होने वाली पत्नी या शहजादी की मन में एक तस्वीर बना ली। वो सारा दिन उसी के बारे में सोचता रहता। तो एक बार वहां से एक पीर ने देखा और उसे पूछा कि तुम इतने दुखी क्यों? तो राजा ने उन्हें वो अपना एक खुद का गीत सुनाया, जिसमें उन्होंने बताया। तो उसने कहा कि भई ये तुम्हारी शत्रु की शहजादी केवल हीर नाम की लड़की बनेगी। तो इतनी बात सुन के वो हीर की से मुलाकात करने चला गया। तो चलते चलते दूसरे गांव पहुंच गया जो हीर का गांव था। और हीर का जो जन्म था सियाल जनजाति के संपन्न राजा जाट में जाट परिवार में हुआ था। उस समय हीर को देखते थे सपनों की सजा दी है। तो उसने हीर के यहाँ जो है जाके वहाँ पे वो हीर को बात बताई। तो हीर की उसकी बहने वहने ने कुल मिला के उसको उसके घर पे ले गए, उसे रांझे को नौकरी पर रख लिया। और रांझे को जो है वो उसका जो उसको भैंस भैंस होती है उनका वैसे चराने का काम सौंप दिया। और वहीं चराता रहता तो वहीं वो बांसुरी बजाता रहता। तो इसी बात को वो हीर का रांझे के प्रति प्यार पड़ता गया। फिर इसी बात में जो इसके चाचा को पता लग गई, जो हीर के चाचा को पता लग गई, तो उसने अपनी ये बात उसके बता दी, अपने पूरे परिवार को बताई। तो उन्हें नौकरी से निकाल दिया और साथ में जो है उसे बोल दिया कि भाई तुमने। लेकिन क्या है कि वो हीर के घर जब हीर को के पापा को पता लगता है इसके बाप, तो हीर जो है वहाँ पे उसका बाप उसकी शादी तय करने को बोलता है, ठीक है भाई हम तुम्हारी शादी कर देते हैं। तो उनके घर में बोलते हैं कि जाओ भाई तुम इस दिन के लिए सगाई ले आना है रांझे के घर से। तो रांझे के घर से वहाँ से चलते हैं। लेकिन जो उसका चाचा था हीर का, उसने क्या किया कि जैसे वो गांव में पहुंचे तो उसके आदमियों ने उसको पीट दिया, उसके घर वालों को। तो वो पहुंचे नहीं उधर, उसके चाचा ने उसके पिता से बोला कि भाई ऐसा है कि भाई वो तो आए नहीं है और अब तुम्हारी बेइज्जती होगी। तो फिर जो है उसने उससे तो सगाई छोड़ दी और रांझे को वहां से भगा दिया पूरी। और जो है उसकी शादी एक दूसरी जगह कर दी।
उसने निकाह तो कर लिया मौलवी के दबाव में आके, लेकिन ये राजा दुखी हुआ और वहाँ से वो फकीर बन के चला गया। तो राजा इधर उधर खूब घूमता रहा, तो धीरे धीरे क्या हुआ, उसने तभी ये गाना चलता है, ये दुनिया ही में फिर मैं काम की नहीं। तो ये घूमता घूमता ये उसी शहर में पहुंच जाता है, गांव में पहुंच जाता है जहाँ पे हिज की शादी हुई हुई रहती है। तो वहाँ जैसे ये भीख मांगने पहुँचता है, तो वो ये जोगी की आवाज़ सुनता है, तो वो पहचान लेती है, तो देखते रहते हैं, तो वो आता उठ के। तो एक बार ना वो बीमार हो जाती है, और जो है उसका कोई इलाज नहीं कर पाया हीर का, तो उसे फकीर के द्वारा ले जाते हैं, तो वहाँ इलाज करता है वो हीर को, तो वो अच्छा कुछ और ही रोग था, तो वो सही होने लगती है। लेकिन इस बात का पता उसकी ननंद को लग जाता है। जब ननंद को लग जाता है तो वो बताती है घर पे, तो ये वहाँ से भाग निकल जाते हैं, मतलब भाग जाते हैं। तो वहाँ पे ये पकड़ ले जाते हैं राजा के सिपाही द्वारा, वहाँ पे दरबार में पेश किया जाता है। तो राजा को ये अपनी पूरी कहानी बताते हैं। तो फिर वहाँ पे ये होता है कि राजा बोलता है भाई इस मौलवी को लाओ। तो हीर बोलते हैं भाई मैंने तो निकाह के लिए वो ही नहीं किया था। तो वो बोलते मौलवी को जब राजा धमका के पूछता है, तो मौलवी सच बोल देता है कि हाँ मैंने मतलब लालच में आके और बोला था कि भाई इसने तो मना किया था, इसको मैंने हाँ बना दिया था। ठीक है, तो राजा बोलता है नहीं भाई तो गलत है, तुमने ऐसा किया क्या। तो वो बोलता है ठीक है भाई तुम जाओ और एक दूसरे से ब्याह कर ले। ठीक है, तो अब क्या है कि वो विवाह की तैयारी होगी, ही जो अपने घर आ राजा अपने घर, राजा जब बारात लेके आया तो वो साथ इनका निकाह हो गया। निकाह होने के बाद जो है तो उसका चाचा जो जो प्राण था प्राणी की निभाया उसका रोल, तो वहाँ पे वो आता है, तो उसे एक वो खिलाता है लड्डू, मतलब पेड़ा टाइप का होता है, और उसे खा लेती चलते हुए। तो उसमें क्या होता है, जहर मिला होता है। ठीक है, तो वो डोली में बैठ जाती है और चले जाती है। जब वहाँ जाके डोली से उतारते हैं, तो वहाँ पे वो हीर जो मरी हुई मिलती है। तो जैसे ही लोग देखते हैं ये क्या हुआ, तो राजा देखता है, तो राजा भी जो है अपनी जो तलवार वो होती है कटार होती है, उसको उसको मार के अपने आप को अपने भी प्राण तोड़ देता है। तो इस प्रकार क्या होता है कि दोनों की दोनों लास्ट में जान दे देती है। तो ये पूरी कहानी है और ये पूरी का फिल्म है। आप बात करें फिल्म की बाकी की, तो इसमें फिल्म में जो है जो रांझे का रोल राजकुमार ने किया है, बात किस किसने क्या रोल किया है, तो प्रिया राजवंश जो इसमें हीर बनी है, प्राण छोटे छोटे बने, मतलब इसके चाचा पृथ्वीराज कपूर वो राजा बने हैं, और जो शहीदा का रोल अजीत ने किया है, और चौधरी जयंत बने हैं, और जो काजी का रोल है जो झूठ बोलता है वो जीवन ने किया है, और नाना पुलिस का जो है राजा का दीवान बना है, और जो तुनतुन है वो अल्लाह राखी बनी है, और इसमें जो है अंचला सचदेव सात पंचधन शोकत आजमी और पंत खन्ना और मनमोहन सिंह ने भी किया है। जो बात करें इसको तो इसमें किया है जो इसका निर्देश कला निर्देश है सुंदर राय ने किया है, और नृत्य निर्देशन जो है दूरदर्शन धीर गोपी किशन ने किया है। अब बात करते हैं इसमें कौन कौन से गाने थे, तो गाने को तो बस पूछो मत, आप इतने अच्छे गाने थे, आप सुनो मतलब आपका 10 बार भी सुनोगे तो आपका मन करता रहेगा। तो उन गानों में जो था सबसे पहला जो मिलो ना हम तो तुम घबराए, तो ये लता मंगेशकर ने गाना गाया था, और ये तब इनका प्यार था जब चलता था। और एक ये है दिल तो मत करो दिल से करो, ये भी लता मंगेशकर ने गाया है। डोली चढ़ते ही ये भी लता मंगेशकर गाया है। मेरी धुनी में तुम आए हो ये भी लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में है, और साथ में तेरे कोचे में तेरा दीवाना ये रफ़ी साहब की आवाज़ में है। क्या आवाज़ है। वो जो सबसे फेमस गाना है इस फिल्म का वो है ये दुनिया ये महफिल में काम की, इसको आवाज़ दी है रफ़ी साहब ने। और इसका लास्ट जो गाना है वह नाचे आगे बे, तो ये बेगम शमशाद बेगम और जगदीश कौर ने। अब बात करें इसके फिल्म के जो पुरस्कारों की है, तो फिल्म का पुरस्कार उनको क्या क्या पुरस्कार मिले, तो सन 1971 में जो फिल्म फेयर अवार्ड है इस फिल्म को मिला है, और जो इस फिल्म के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफर का जो पुरस्कार मिलता है वो जल मिस्त्री को मिला है इसी के लिए। और इसका जो पूरा का पूरा अभी मैंने आपको बताया,
ये बहुत ही अच्छी फिल्म है, आपको जरूर देखनी चाहिए इस फिल्म को। पुरानी फिल्म है, जितने भी हीर रांझा के वर्जन बने हैं, तो मुझे तो इसमें सबसे अच्छा तो हीर रांझा का, मतलब एक ऋषि कपूर की भी बनी है हीर रांझा, वो एक तो और बनी है, कई वर्जन बन चुके हैं हीर रांझा की कहानी को लेकर। जो सबसे अच्छी जो फिल्म बनी है वो जो मुझे, जो मेरा अपना भी, जी हाँ, फिल्म का आज की का नाम है हीर रांझा। हीर रांझा जो 1970 में बनी हुई हिंदी फिल्म है, और ये एक केतन आनंद द्वारा निर्मित और चेतन आनंद द्वारा निर्देशित फिल्म है। और इस फिल्म की मुख्य भूमिका में राजकुमार, प्रिया राजवंश, प्राण, पृथ्वीराज कपूर, अजीत, जयचंद, सोनिया साहनी, कामनी शुक्ल, इंद्राणी मुखर्जी और साथ में तुन तुन भी है। और जो फिल्म का संगीत जो है वो मदन मोहन मालवीय ने दिया है, और ये बॉक्स ऑफिस में बड़ी सुपरहिट फिल्म है। और ये जो फिल्म है ये एक कहानी पर आधारित है हीर रांझा की। हीर रांझा एक महाकाव्य है जो पंजाब, जो हीर पंजाबी कवि द्वारा 1766 में लिखा गया है। वो पूरी की पूरी फिल्म इसमें एक कविता की तरह है, वो जो संवाद लिखे हैं कविता में वो कैफी आजमी के हैं। तो मैंने तो ये 3-4 बार ये फिल्म देखी, तो उतनी बार ही, जितनी बार देखता हूँ उतनी बार अच्छी लगी। और इसके जो गाने संगीत तो बहुत ही अच्छे हैं, जिसके लिए चेतन आनंद के जी सांग, और इसकी जो फोटोग्राफी किया है वो जलमिस्त्री ने किया है। और इस फिल्म ने फिर, अब बात करते हैं इस फिल्म की स्टोरी के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं इस फिल्म की स्टोरी। तो ये जो कहानी है इस फिल्म में, ये उस टाइम के जब भारत पाकिस्तान एक थे, अर्थात उनका बंटवारा नहीं हुआ। और जो हीर रांझा की जो अद्भुत प्रेम कहानी है, ये पाकिस्तान से शुरू हुई। और रांझा का जन्म जो है पाकिस्तान में चिनाब नदी के पास तख्त हजारा नामक ग्राम में हुआ था, और उसका असली नाम डीडो था और रांझा तो उसका उपनाम था। और रांझा के पिता उस गांव के जमींदार थे, प्रमुख जमींदार, वो जिनका नाम जो चौधरी के नाम से फेमस थे। और ये 4 भाई थे और ये सबसे छोटे थे चारों भाई। और जो रांझा का रोल है वो राजकुमार जी ने किया हुआ है, उसके डायलॉग तो बड़े फेमस है राजकुमार जी के। और चारों भाइयों में सबसे छोटे होने के कारण ये अपने पिता के सबसे ज्यादा प्रिय थे। इनके तीनों भाई अपनी खेती में कड़ी मेहनत करते थे, लेकिन पिता के अधिक लाड़ होने के कारण अपने भाइयों के काम में हाथ ना बटा के हमेशा बांसुरी बनाया करते थे। तो इन्हीं की वजह से इनके भाई इनको उतना प्यार और सम्मान नहीं देते थे, क्योंकि ये कुछ काम नहीं करते। जब इनकी 12 साल उम्र थी तो इनके पिताजी का साया उठ गया। कुछ बातों को लेकर उनका भाइयों में जो है विवाद हो गया, और वे जो है सारा दिन जो राजा है अपने एक पेड़ के नीचे बैठ के बांसुरी बजाया करता था, और अपनी होने वाली शहजादी के बारे में सोचा करता था। तो बचपन से ऐसा था, उसे खुशबू से उसने मन में ना अपनी एक होने वाली पत्नी या शहजादी की मन में एक तस्वीर बना ली। वो सारा दिन उसी के मन बारे में सोचता रहता था। तो एक बार वहां से एक पीर ने देखा और उसे पूछा कि तुम इतने दुखी क्यों हो। तो राजा ने उन्हें वो अपना एक खुद का गीत सुनाया, जिसमें उन्होंने बताया। तो उसने कहा कि भई ये तुम्हारी शत्रु की शहजादी केवल हीर नाम की लड़की बनेगी। तो इतनी बात सुन के वो हीर की से मुलाकात करने चला गया। तो चलते चलते दूसरे गांव पहुंच गया जो हीर का गांव था। और हीर का जो जन्म था सियाल जनजाति के संपन्न राजा जाट में, जाट परिवार में हुआ था। उस समय हीर को देखते थे सपनों की शहजादी है। तो उसने हीर के यहाँ जो है जाके वहाँ पे वो हीर को बात बताई, तो हीर की उसकी बहने वहने ने कुल मिला के उसको उसके घर पे ले गए, उसे रांझे को नौकरी पर रख लिया। और रांझे को जो है वो उसका जो उसको भैंस भैंस होती है उनका, वैसे वो चराने का काम सौंप दिया। और वहीं चराता रहता तो वहीं वो बांसुरी बजाता था। तो इसी बात को वो हीर का रांझे के प्रति प्यार बढ़ता गया। फिर इसी बात में जो इसके चाचा को पता लग गई, जो हीर के चाचा को पता लग गई, तो उसने अपनी ये बात उसके बता दी, अपने पूरे परिवार को बताई। तो उन्हें नौकरी से निकाल दिया और साथ में जो है उसे बोल दिया कि भाई तुमने, लेकिन क्या है कि वो हीर के घर जब
को के पापा को पता लगता है इसके बाप, तो हीर जो है वहाँ पे उसका बाप उसकी शादी तय करने के, वो कहा ठीक है भाई हम तुम्हारी शादी कर देते हैं। तो उनके घर में बोलते हैं कि जाओ भाई तुम इस दिन के लिए सगाई ले आना है राजा के घर से। तो राजा के घर से वहाँ से चलते हैं, लेकिन जो उसका चाचा था हीर का, उसने क्या किया कि जैसे ही वो गांव में पहुंचे तो उसके आदमियों ने उसको पीट दिया उसके घर वालों को। तो वो पहुंचे नहीं उधर, उसके चाचा ने उसके पिता से बोला कि भाई ऐसा है कि भाई वो तो आए नहीं है और अब तुम्हारी बेइज्जती होगी। तो फिर जो है उसने उससे तो सगाई छोड़ दी और रांझे को वहां से भगा दिया पूरी, और जो है उसकी शादी एक दूसरी जगह कर दी। तो उसने निकाह तो कर लिया मौलवी के दबाव में आके, लेकिन ये राजा दुखी हुआ और वहां से वो फकीर बन के चला गया। तो राजा इधर उधर खूब घूमता रहा, तो धीरे धीरे क्या हुआ उसने, तभी ये गाना चलता है ये दुनिया ही में फिर मेरे काम की नहीं। तो ये घूमता घूमता ये उसी शहर में पहुंच जाता है, गांव में पहुंच जाता है जहाँ पे हीर की शादी हुई हुई रहती है। तो वहां जैसे ये भीख मांगने पहुंचता है तो वो ये जोगी की आवाज सुनता है तो वो पहचान लेती है। तो देखते रहते हैं तो आता उठ के, तो एक बार ना ही वो बीमार हो जाती है और जो है उसका कोई इलाज नहीं कर पाया हीर का, तो वो उसे फकीर के द्वारा ले जाते हैं। तो वहाँ इलाज करता है वो हीर को, तो वो एक्चुअली कुछ और ही रोग था तो वो सही होने लगती है। लेकिन इस बात का पता उसकी ननंद को लग जाता है। जब ननंद को लग जाता है तो वो बताती है घर पे, तो ये वहाँ से भाग निकल जाते हैं, मतलब भाग जाते हैं। तो वहाँ पे ये पकड़ ले जाते हैं राजा के सिपाही द्वारा, वहाँ पे दरबार में पेश किया जाता है। तो राजा को ये अपनी पूरी कहानी बताते हैं। तो फिर वहाँ पे ये होता है कि राजा बोलता है भाई इस मौलवी को लाओ। तो हीर बोलते हैं भाई मैंने तो शादी निकाह के लिए वो ही नहीं किया था। तो वो बोलते मौलवी को जब राजा धमका के पूछता है तो मौलवी सच बोल देता है कि हाँ मैंने मतलब लालच में आके और बोला था कि भाई इसने तो मना किया था, इसको मैंने हाँ बना दिया था। ठीक है, तो राजा बोलता नहीं भाई तो गलत है तुमने ऐसा किया क्या। तो वो बोलता है ठीक है भाई तुम जाओ और एक दूसरे से ब्याह कर ले। ठीक है, तो अब क्या है कि वो विवाह की तैयारी होगी, ही जो अपने घर आया राजा अपने घर, राजा जब बारात लेके आया तो वो साथ इनका निकाह हो गया। निकाह होने के बाद जो है तो उसका चाचा जो जो प्राण प्राण था प्राणी की निभाया उसका रोल, तो वहाँ पे वो आता है तो उसे एक वो खिलाता है लड्डू, मतलब पेड़ा टाइप का होता है और उसे खा लेती चलते हुए। तो उसमें क्या होता है जहर मिला होता है। ठीक है, तो वो डोली में बैठ जाती है और चले जाती है। जब वहाँ जाके डोली से उतारते हैं तो वहाँ पे वहाँ हीर जो मरे हुए मिलती है। तो जैसे ही लोग देखते हैं ये क्या हुआ, तो राजा देखता है, तो राजा भी जो है अपनी जो तलवार वो होती है कटार होती है उसको उसको मार के अपने आप को अपने प्लान तोड़ देता है। तो इस प्रकार क्या होता है कि दोनों की दोनों लास्ट में जान दे देती है। तो ये पूरी कहानी है और ये पूरी का फिल्म है। अब बात करें फिल्म की बाकी की, तो इसमें फिल्म में जो है जो रांझे का रोल राजकुमार ने किया है, बात किस किसने क्या रोल किया है, तो प्रिया राजवंश जो इसमें हीर बनी है, प्राण छोटे छोटे बने हैं मतलब इसके चाचा पृथ्वीराज कपूर वो राजा बने हैं, और जो शहीदा का रोल अजीत ने किया है और चौधरी जयंत बने हैं, और जो काजी का रोल है जो झूठ बोलता है वो जीवन ने किया है, और नाना पुलिस का जो है राजा का दीवान बना है, और जो तुन-तुन है वो अल्लाह राखी बनी है, और इसमें जो है अंचला सचदेव सात पंचतन शौकत आजमी और पंत खन्ना और मनमोहन सिंह ने भी किया है। जो बात करें इसको तो इसमें किया है जो इसका निर्देश कला निर्देशक सौंदर राय ने किया है, और नृत्य निर्देशन जो है दूरदर्शन धीर गोपी किशन ने किया है। अब बात करते हैं इसमें कौन कौन से गाने थे, तो गाने को तो बस पूछो मत, आप इतने अच्छे गाने थे आप सुनो तो मतलब आपका 10 बार भी सुनोगे तो आपका मन करता रहेगा। तो उन गानों में जो था सबसे पहला जो मिलो ना हम तो तुम घबराए, तो ये लता मंगेशकर ने गाना गाया था और ये तब इनका प्यार था जब चलता था। और एक ये है दिल तो मत करो दिल से करो, ये भी लता मंगेशकर ने गाया है। डोली चढ़ते ही ये भी लता मंगेशकर गाया है। मेरी धुनी में तुम आए हो ये भी लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में है, और साथ में तेरे कोचे में तेरा दीवाना ये रफ़ी साहब की आवाज़ में है। क्या आवाज़ है, वो जो सबसे फेमस गाना है इस फिल्म का।
वो है ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की। इसको आवाज़ दी है रफ़ी साहब ने, और इसका लास्ट जो गाना है वह है नाचे आगे वे, तो ये बिक्रम शमशाद बेगम और जगदीश कौर ने। अब बात करें इसको फिल्म के जो पुरस्कारों की है, तो फिल्म का पुरस्कार को क्या क्या पुरस्कार मिले, तो सन 1971 में जो फिल्म फेयर अवार्ड है इस फिल्म को मिला है, और जो इस फिल्म के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफर का जो पुरस्कार मिलता है वो जल मिस्त्री को मिला इसी के लिए। और इसका जो पूरा का पूरा अभी मैंने आपको बताया, तो ये बहुत ही अच्छी फिल्म है, आपको जरूर देखनी चाहिए इस फिल्म को। पुरानी फिल्म है, जितने भी हिल रांझा के वर्जन बने हैं, तो मुझे तो इसमें सबसे अच्छा तो हिल रांझा का, मतलब एक ऋषि कपूर की भी बनी है हिल रांझा, और एक तो और बनी है, कई वर्जन बन चुके हैं हिल रांझा की कहानी को लेकर। जो सबसे अच्छी जो फिल्म बनी है वो जो मुझे अब जो मेरा अपना भी, जी हाँ, फिल्म का आज की का नाम है हिल रांझा। हिल रांझा जो 1970 में बनी हुई हिंदी फिल्म है, और ये एक केतन आनंद द्वारा निर्मित और चेतन आनंद द्वारा निर्देशित फिल्म है, और इस फिल्म की मुख्य भूमिका में राजकुमार, प्रिया राजवंश, प्राण पृथ्वीराज कपूर, अजीत जयचंद, सोनिया साहनी, कामनी शुक्ल, इंद्राणी मुखर्जी, और साथ में तुन तुन भी है। और जो फिल्म का संगीत जो है मदन मोहन मालवीय ने दिया है, और ये बॉक्स ऑफिस में बड़ी सुपरहिट फिल्म है। और ये जो फिल्म है ये एक कहानी पर आधारित है हीर रांझा की। हीर रांझा एक महाकाव्य है जो पंजा जो हीर पंजाबी कवि द्वारा 1766 में लिखा गया है। वो पूरी की पूरी फिल्म इसमें एक कविता की तरह है, वो जो संवाद लिखे हैं कविता में कैफी आजमी के हैं। तो मैंने तो ये 3-4 बार ये फिल्म देखी, तो उतनी बार ही जितनी बार देखता हूँ उतनी बार अच्छी लगी। और इसके जो गाने संगीत तो बहुत ही अच्छे हैं, जिसके लिए चेतन आनंद के जी साहब, और इसकी जो फोटोग्राफी किया है वो जल मिस्त्री ने किया, और इस फिल्म ने फिर। अब बात करते हैं इस फिल्म की स्टोरी के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं इस फिल्म की स्टोरी। तो ये जो कहानी है इस फिल्म में, ये उस टाइम के जब भारत पाकिस्तान एक थे, अर्थात उनका बंटवारा नहीं हुआ, और जो हीर रांझा की जो अद्भुत प्रेम कहानी है ये पाकिस्तान से शुरू हुई, और रांझा का जन्म जो है पाकिस्तान में चिनाब नदी के पास तख्त हजारा नामक ग्राम में हुआ था, और उसका असली नाम डीडो था, और रांझा तो उसका उपमान था। और रांझा के पिता उस गांव के जमींदार थे, प्रमुख जमींदार, और जिनका नाम जो चौधरी के नाम से फेमस थे। और ये 4 भाई थे, और ये सबसे छोटे थे चारों भाई। और जो रांझा का रोल है वो राजकुमार जी ने किया हुआ है, उसके डायलॉग तो बड़े फेमस है राजकुमार जी के। वो चारों भाइयों में सबसे छोटे होने के कारण ये अपने पिता के सबसे ज्यादा प्रिय पुत्र थे। इनके तीनों भाई अपनी खेती में कड़ी मेहनत करते थे, लेकिन पिता के अधिक लाड़े होने के कारण अपने भाइयों के काम में हाथ ना बटा के हमेशा बांसुरी बनाया करते थे। तो इन्हीं की वजह से इनके भाई इनको उतना प्यार और सम्मान नहीं देते थे, क्योंकि ये कुछ काम नहीं करते। जब इनकी 12 साल उम्र थी तो इनके पिताजी का साया उठ गया। कुछ बातों को लेकर उनका भाइयों में जो है विवाद हो गया, और वे जो है एक सारा दिन जो राजा है अपने एक पेड़ के नीचे बैठ के बांसुरी बजाया करता था, और अपनी होने वाली शहजादी के बारे में सोचा करता था। तो बचपन से ऐसा था, उसे खुशबूदी से उसने मन में ना अपनी एक होने वाली पत्नी या शहजादी की मन में एक तस्वीर बना ली, वो सारा दिन उसी के बारे में सोचता रहता। तो एक बार वहां से एक पीर ने देखा और उसे पूछा कि तुम इतने दुखी क्यों हो, तो राजा ने उन्हें वो अपना एक खुद का गीत सुनाया, जिसमें उन्होंने बताया। तो उसने कहा कि भाई ये तुम्हारी ससुर की शहजादी केवल हीर नाम की लड़की बनेगी। तो इतनी बात सुन के वो हीर की से मुलाकात करने चला गया। तो चलते चलते दूसरे गांव पहुंच गया जो हीर का गांव था, और हीर का जो जन्म था सियाल जनजाति के संपन्न राजा जाट में जाट परिवार में हुआ था। उस समय हीर को देखते थे सपनों की सजा दी है। तो उसने हीर के यहाँ जो है जाके वहाँ पे वो
हीर को बात बताई तो हीर की उसकी बहने वहने ने कुल मिला के उसको उसके घर पे ले गए, उसे रांझे को नौकरी पर रख लिया। और रांझे को जो है वो उसका जो उसको भैंस भैंस होती है उनका, वैसे वो चराने का काम सौंप दिया। और वहीं चराता रहता तो वहीं वो बांसुरी बजाता था, तो इसी बात को वो हीर का रांझे के प्रति प्यार पड़ता गया। फिर इसी बात में जो इसके चाचा को पता लग गई, जो हीर के चाचा को पता लग गई, तो उसने अपनी ये बात उसके बता दी, अपने पूरे परिवार को बताई, तो उन्हें नौकरी से निकाल दिया। और साथ में जो है उसे बोल दिया कि भाई तुमने, लेकिन क्या है कि वो हीर के घर जब हीर को के पापा को पता लगता है इसके बाप, तो हीर जो है वहाँ पे उसका बाप उसकी शादी तय करने के, वो कहा ठीक है भाई हम तुम्हारी शादी कर देते हैं। तो उनके घर में बोलते हैं कि जाओ भाई तुम इस दिन के लिए सगाई ले आना है राजे के घर से। तो राजे के घर से वहाँ से चलते हैं, लेकिन जो उसका चाचा था हीर का, उसने क्या किया कि जैसे वो गांव में पहुंचे तो उसके आदमियों ने उसको पीट दिया, उसके घर वालों को। तो वो पहुंचे नहीं, उधर उसके चाचा ने उसके पिता से बोला कि भाई ऐसा है कि भाई वो तो आए नहीं है और अब तुम्हारी बेइज्जती होगी। तो फिर जो है उसने उससे तो सगाई छोड़ दी और रांझे को वहां से भगा दिया पूरी, और जो है उसकी शादी एक दूसरी जगह कर दी। तो उसने निकाह तो कर लिया मौलवी के दबाव में आके, लेकिन ये राजा दुखी हुआ और वहां से वो फकीर बन के चला गया। तो राजा इधर उधर खूब घूमता रहा, तो धीरे धीरे क्या हुआ उसने, तभी ये गाना चलता है ये दुनिया ही में फिर मेरे काम की नहीं। तो ये घूमता घूमता ये उसी शहर में पहुंच जाता है, गांव में पहुंच जाता है जहाँ पे हीर की शादी हुई हुई रहती है। तो वहाँ जैसे ही ये भीख मांगने पहुंचता है, तो वो ये जोगी की आवाज़ सुनता है, तो वो पहचान लेती है। तो देखते रहते हैं, तो वो आता उठ के, तो एक बार ना वो बीमार हो जाती है और जो है उसका कोई इलाज नहीं कर पाया हीर का, तो उसे फकीर के द्वारा ले जाते हैं। तो वहाँ इलाज करता है वो हीर को, तो वो एक्चुअली कुछ और ही रोग था, तो वो सही होने लगती है। लेकिन इस बात का पता उसकी ननंद को लग जाता है। जब ननंद को लग जाता है तो वो बताती है घर पे, तो ये वहाँ से भाग निकल जाते हैं, मतलब भाग जाते हैं। तो वहाँ पे ये पकड़ ले जाते हैं राजा के सिपाही द्वारा, वहाँ पे दरबार में पेश किया जाता है। तो राजा को ये अपनी पूरी कहानी बताते हैं। तो फिर वहाँ पे ये होता है कि राजा बोलता है भाई इस मौलवी को लाओ। तो हीर बोलते हैं भाई मैंने तो शादी निकाह के लिए वो ही नहीं किया था। तो वो बोलते मौलवी को जब राजा धमका के पूछता है, तो मौलवी सच बोल देता है कि हाँ मैंने मतलब लालच में आके और बोला था कि भाई इसने तो मना किया था, इसको मैंने हाँ बना दिया था। ठीक है, तो राजा बोलता है नहीं भाई तो गलत है, तुमने ऐसा किया क्या। तो वो बोलता है ठीक है भाई तुम जाओ और एक दूसरे से ब्याह कर ले। ठीक है, तो अब क्या है कि वो विवाह की तैयारी होगी, हीर जो अपने घर आ, राजा अपने घर, राजा जब बारात लेके आया तो वो साथ इनका निकाह हो गया। निकाह होने के बाद जो है तो उसका चाचा जो जो प्राण था प्राणी की निभाया उसका रोल, तो वहाँ पे वो आता है तो उसे एक वो खिलाता है लड्डू, मतलब पेड़ा टाइप का होता है, और उसे खा लेती चलते हुए। तो उसमें क्या होता है जहर मिला होता है। ठीक है, तो वो डोली में बैठ जाती है और चले जाती है। जब वहां जाके डोली से उतारते हैं तो वहां पे वहाँ हीर जो मरे हुए मिलती है। तो जैसे ही लोग देखते हैं ये क्या हुआ, तो राजा देखता है, तो राजा भी जो है अपनी जो तलवार वो होती है कटार होती है उसको उसको मार के अपने आप को अपने भी प्राण तोड़ देता है। तो इस प्रकार क्या होता है कि दोनों की दोनों लास्ट में जान दे देती है। तो ये पूरी कहानी है और ये पूरी का फिल्म है। आप बात करें फिल्म की बाकी की, तो इसमें फिल्म में जो है जो रांझे का रोल राजकुमार ने किया है, बात किस किसने क्या रोल किया, तो प्रिया राजवंश जो इसमें हीर बनी है, प्राण छोटे छोटे बने, मतलब इसके चाचा पृथ्वीराज कपूर वो राजा बने हैं, और जो शहीदा का रोल अजीत ने किया है, और चौधरी जयंत बने हैं, और जो काजी का रोल है जो झूठ बोलता है वो जीवन ने किया है, और नाना पुलिस का जो है राजा का दीवान बना है, और जो तुन-तुन है वो अल्लाह राखी बनी है, और इसमें जो है अंचला सचदेव, सात पंचदन, शोकत आजमी, और पंत खन्ना और मनमोहन सिंह ने भी किया है। जो बात करें इसको तो इसमें किया है जो इसका निर्देश कला निर्देशक सौंदर राय ने किया है,
वो नत्र निर्देशन जो है दूरदर्शन धीर को किशन ने गया है। अब बात करते हैं इसमें कौन कौन से गाने थे, तो गाने को तो बस पूछो मत, आप इतने अच्छे गाने थे, आप सुनो तो मतलब आपका 10 बार भी सुनोगे तो आपका मन करता रहेगा। तो उन गानों में जो था सबसे पहला जो मिलो ना हम तो तुम घबराए, तो ये लता मंगेशकर ने गाना गाया था और ये तब इनका प्यार था जब चलता था। और एक ये है दिल तो मत करो दिल से करो, ये भी लता मंगेशकर ने गाया है। डोली चढ़ते ही ये भी लता मंगेशकर गाया है। मेरी धुनी में तुम आए हो ये भी लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में है। और साथ में तेरे कोचे में तेरा दीवाना ये रफ़ी साहब की आवाज़ में है। क्या आवाज़ है। वो जो सबसे फेमस गाना है इस फिल्म का वो है ये दुनिया ये महफिल में काम की, इसको आवाज़ दी है रफ़ी साहब ने। और इसका लास्ट जो गाना है वह नाचे आगे वे, तो ये बिक्रम शमशाद बेगम और जगदीश कौर ने। अब बात करें इसके फिल्म के जो पुरस्कारों की है, तो फिल्म का पुरस्कार को क्या क्या पुरस्कार मिले, तो सन 1971 में जो फिल्म फेयर अवार्ड है इस फिल्म को मिला है। और जो इस फिल्म के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफर का जो पुरस्कार मिलता है वो जल मिस्त्री को मिला इसी के लिए। और इसका जो पूरा का पूरा अभी मैंने आपको बताया, तो ये बहुत ही अच्छी फिल्म है, आपको जरूर देखनी चाहिए इस फिल्म को। पुरानी फिल्म है, जितने भी हीर रांझा के वर्जन बने हैं, तो मुझे तो इसमें सबसे अच्छा तो हीर रांझा का मतलब एक ऋषि कपूर की भी बनी है हीर रांझा, वो एक तो और बनी है, कई वर्जन बन चुके हैं हीर रांझा की कहानी को लेकर। जो सबसे अच्छी जो फिल्म बनी है वो, जी हाँ, फिल्म का आज की का नाम है हीर रांझा। हीर रांझा जो 1970 में बनी हुई हिंदी फिल्म है और ये एक केतन आनंद द्वारा निर्मित और चेतन आनंद द्वारा निर्देशित फिल्म है। और इस फिल्म की मुख्य भूमिका में राजकुमार, प्रिया राजवंश, प्राण पृथ्वीराज कपूर, अजीत जयचंद, सोनिया साहनी, कामनी शुक्ल, इंद्राणी मुखर्जी और साथ में तुन तुन भी है। और जो फिल्म का संगीत जो है मदन मोहन मालवीय ने दिया है और ये बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सुपरहिट फिल्म है। और ये जो फिल्म है ये एक कहानी पर आधारित है हीर रांझा की। हीर रांझा एक महाकाव्य है जो पंजाब जो हीर पंजाबी कई द्वारा 1766 में लिखा गया है। वो पूरी की पूरी फिल्म इसमें एक कविता की तरह है, वो जो संवाद लिखे हैं कविता में कैफी आजमी के हैं। तो मैंने तो एक 3-4 बार ही फिल्म देखी, तो उतनी बार ही जितनी बार देखता हूँ उतनी बार अच्छी लगी। और इसके जो गाने संगीत तो बहुत ही अच्छे हैं, जिसके लिए चेतन आनंद के जी सांग। और इसकी जो फोटोग्राफी किया है वो जल मिस्त्री ने किया है। और इस फिल्म ने फिर अब बात करते हैं इस फिल्म की स्टोरी के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं इस फिल्म की स्टोरी, तो ये जो कहानी है इस फिल्म में ये उस टाइम की जब भारत पाकिस्तान एक थे अर्थात उनका बंटवारा नहीं हुआ। और जो हीर रांझा की जो अद्भुत प्रेम कहानी है ये पाकिस्तान से शुरू हुई। और रांझा का जन्म जो है पाकिस्तान में चिनाब नदी के पास तख्त हजारा नामक ग्राम में हुआ था, और उसका असली नाम डीडो था और रांझा तो उसका उपमान था। और रांझा के पिता उस गांव के जमींदार थे, प्रमुख जमींदार, वो जिनका नाम जो चौधरी के नाम से फेमस थे। और ये 4 भाई थे और ये सबसे छोटे थे चारों भाई। वो जो रांझा का रोल है वो राजकुमार जी ने किया हुआ है, उसके डायलॉग तो बड़े फेमस है राजकुमार जी के। वो चारों भाइयों में सबसे छोटे होने के कारण ये अपने पिता के सबसे ज्यादा प्रिय पुत्र थे। इनके तीनों भाई अपनी खेती में कड़ी मेहनत करते थे, लेकिन पिता के अधिक लाड़े होने के कारण अपने भाइयों के काम में हाथ ना बटा के हमेशा बांसुरी बनाया करते थे। तो इन्हीं की वजह से इनके भाई इनको उतना प्यार और सम्मान नहीं देते थे, क्योंकि ये कुछ काम नहीं करते। जब इनकी 12 ही साल उम्र थी तो इनके पिताजी का साया उठ गया। कुछ बातों को लेकर उनका भाइयों में जो है विवाद हो गया और वे जो है एक सारा दिन जो राजा है अपने एक पेड़ के नीचे बैठ के बांसुरी बजाया करता था और अपनी होने वाली शहजादी के बारे में सोचा करता था। तो बचपन से ऐसा था, उसे खुशबू से उसने मन में ना अपनी एक होने वाली पत्नी या शहजादी की मन में एक तस्वीर बना ली।
वो सारा दिन उसी के बारे में सोचता रहता था। तो एक बार वहां से एक पीर ने देखा और उसे पूछा कि तुम इतने दुखी क्यों। तो राजा ने उन्हें वो अपना एक खुद का गीत सुनाया जिसमें उन्होंने बताया। तो उसने कहा कि भाई ये तुम्हारी शत्रुओं की शहजादी केवल हीर नाम की लड़की बनेगी। तो इतनी बात सुन के वो हीर की से मुलाकात करने चला गया। तो चलते चलते दूसरे गांव पहुंच गया जो हीर का गांव था। और हीर का जो जन्म था सियाल जनजाति के संपन्न राजा जाट में जाट परिवार में हुआ था। उस समय हीर को देखते थे सपनों की शहजादी है। तो उसने हीर के यहाँ जो है जाके वहाँ पे वो हीर को बात बताई। तो हीर की उसकी बहने वहने ने कुल मिला के उसको उसके घर पे ले गए, उसे रांझे को नौकरी पर रख लिया। और रांझे को जो है वो उसका जो उसको भैंस भैंस होती है उनका वैसे वो चराने का काम सौंप दिया। और वहीं चराता रहता तो वहीं वो बांसुरी बजाता था। तो इसी बात को वो हीर का रांझे के प्रति प्यार बढ़ता गया। फिर इसी बात में जो इसके चाचा को पता लग गई, जो हीर के चाचा को पता लग गई तो उसने अपनी ये बात उसके बता दी, अपने पूरे परिवार को बताई। तो उन्हें नौकरी से निकाल दिया और साथ में जो है उसे बोल दिया कि भाई तुमने। लेकिन क्या है कि वो हीर के घर जब हीर को के पापा को पता लगता है इसके बाप, तो हीर जो है वहाँ पे उसका बाप उसकी शादी तय करने को बोलता है, ठीक है भाई हम तुम्हारी शादी कर देते हैं। तो उनके घर में बोलते हैं कि जाओ भाई तुम इस दिन के लिए सगाई ले आना है रांझे के घर से। तो रांझे के घर से वहां से चलते हैं। लेकिन जो उसका चाचा था हीर का, उसने क्या किया कि जैसे वो गांव में पहुंचे तो उसके आदमियों ने उसको पीट दिया उसके घर वालों को। तो वो पहुंचे नहीं उधर। उसके चाचा ने उसके पिता से बोला कि भाई ऐसा है कि भाई वो तो आए नहीं है और अब तुम्हारी बेइज्जती होगी। तो फिर जो है उसने उससे तो सगाई छोड़ दी और रांझे को वहां से भगा दिया पूरी, और जो है उसकी शादी एक दूसरी जगह कर दी। तो उसने निकाह तो कर लिया मौलवी के दबाव में आके, लेकिन ये राजा दुखी हुआ और वहां से वो फकीर बन के चला गया। तो राजा इधर उधर खूब घूमता रहा। तो धीरे धीरे क्या हुआ, उसने तभी ये गाना चलता है ये दुनिया ही में फिर मेरे काम की नहीं। तो ये घूमता घूमता ये उसी शहर में पहुंच जाता है, गांव में पहुंच जाता है जहाँ पे हीर की शादी हुई हुई रहती है। तो वहां जैसे ही ये भीख मांगने पहुंचता है तो वो ये जोगी की आवाज सुनता है तो वो पहचान लेती है। तो देखते रहते हैं तो वो आता उठ के। तो एक बार ना वो बीमार हो जाती है और जो है उसका कोई इलाज नहीं कर पाया हीर का। तो वो उसे फकीर के द्वारा ले जाते हैं। तो वहाँ इलाज करता है वो हीर को। तो वो एक्चुअली कुछ और ही रोग था तो वो सही होने लगती है। लेकिन इस बात का पता उसकी ननंद को लग जाता है। जब ननंद को लग जाता है तो वो बताती है घर पे। तो ये वहाँ से भाग निकल जाते हैं, मतलब भाग जाते हैं। तो वहाँ पे ये पकड़ ले जाते हैं राजा के सिपाही द्वारा, वहाँ पे दरबार में पेश किया जाता है। तो राजा को ये अपनी पूरी कहानी बताते हैं। तो फिर वहाँ पे ये होता है कि राजा बोलता है भाई इस मौलवी को लाओ। तो हीर बोलते हैं भाई मैंने तो शादी निकाह के लिए वो ही नहीं किया था। तो वो बोलते मौलवी को जब राजा धमका के पूछता है तो मौलवी सच बोल देता है कि हाँ मैंने मतलब लालच में आके और बोला था कि भाई इसने तो मना किया था, इसको मैंने हाँ बना दिया था। ठीक है। तो राजा बोलता नहीं भाई तो गलत है तुमने ऐसा किया क्या। तो वो बोलता है ठीक है भाई तुम जाओ और एक दूसरे से ब्याह कर ले। ठीक है। तो अब क्या है कि वो विवाह की तैयारी होगी। हीर जो अपने घर आया, राजा अपने घर, राजा जब बारात लेके आया तो वो साथ इनका निकाह हो गया। निकाह होने के बाद जो है तो उसका चाचा जो जो प्राण प्राण था प्राणी की निभाया उसका रोल। तो वहाँ पे वो आता है तो उसे एक वो खिलाता है लड्डू, मतलब पेड़ा टाइप का होता है और उसे खा लेती चलते हुए। तो उसमें क्या होता है जहर मिला होता है। ठीक है। तो वो डोली में बैठ जाती है और चले जाती है। जब वहां जाके डोली से उतारते हैं तो वहां पे वो हीर जो मरे हुए मिलती है। तो जैसे ही लोग देखते हैं ये क्या हुआ, तो राजा देखता है। तो राजा भी जो है अपनी जो तलवार वो होती है कटार होती है उसको उसको मार के अपने आप को अपने प्राण तोड़ देता है। तो इस प्रकार क्या होता है कि दोनों की दोनों लास्ट में जान दे देती है। तो ये पूरी कहानी है और ये पूरी का फिल्म है। आप बात करें फिल्म की बाकी की, तो इसमें फिल्म में जो है जो
रांझे का रोल राजकुमार ने किया है, बात किस किसने क्या रोल किया है, तो प्रिया राजवंश जो इसमें हीर बनी है, प्राण छोटे छोटे बने, मतलब इसके चाचा पृथ्वीराज कपूर वो राजा बने हैं, और जो शहीदा का रोल अजीत ने किया है और चौधरी जयंत बने हैं, और जो काजी का रोल है जो झूठ बोलता है वो जीवन ने किया है, और नाना पुलिस का जो है राजा का दीवान बना है, और जो तुनतुन है वो अल्लाह राखी बनी है, और इसमें जो है अंचला सचदेव, सात पंचतन, शोकट आजमी और पंत खन्ना और मनमोहन सिंह ने भी किया है। जो बात करें इसको तो इसमें किया है जो इसका निर्देश कला निर्देश है वो सौंदर राय ने किया है, और नृत्य निर्देशन जो है दूरदर्शन धीर गोपीकिशन ने किया है। अब बात करते हैं इसमें कौन कौन से गाने थे, तो गाने को तो बस पूछो मत, आप इतने अच्छे गाने थे, आप सुनो तो मतलब आपका 10 बार भी सुनोगे तो आपका मन करता रहेगा। तो उन गानों में जो था सबसे पहला जो मिलो ना हम तो तुम घबराए, तो ये लता मंगेशकर ने गाना गाया था, और ये तब इनका प्यार था जब चलता था। और एक ये है दिल तो मत करो दिल से करो, ये भी लता मंगेशकर ने गाया है। डोरी चढ़ते ही ये भी लता मंगेशकर गाया है। मेरी धुनी में तुम आए हो ये भी लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में है, और साथ में तेरे कोचे में तेरा दीवाना ये रफ़ी साहब की आवाज़ में है। क्या आवाज़ है। वो जो सबसे फेमस गाना है इस फिल्म का वो है ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की, इसको आवाज़ दी है रफ़ी साहब ने, और इसका लास्ट जो गाना है वह है नाचे आगे वे, तो ये बेगम शमशाद बेगम और जगदीश कौर ने। अब बात करें इसके फिल्म के जो पुरस्कारों की है, तो फिल्म का पुरस्कार को क्या क्या पुरस्कार मिले, तो सन 1971 में जो फिल्म फेयर अवार्ड है इस फिल्म को मिला है, और जो इस फिल्म के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफर का जो पुरस्कार मिलता है वो जल मिस्त्री को मिला है इसी के लिए। और इसका जो पूरा का पूरा अभी मैंने आपको बताया, तो ये बहुत ही अच्छी फिल्म है, आपको जरूर देखनी चाहिए इस फिल्म को, पुरानी फिल्म है, जितने भी हीर रांझा के वर्जन बने हैं, तो मुझे तो इसमें सबसे अच्छा तो हीर रांझा का मतलब एक ऋषि कपूर की भी बनी है हीर रांझा, वो एक तो और बनी है, कई वर्जन बन चुके हैं हीर रांझा की कहानी को लेकर। जो सबसे अच्छी जो फिल्म बनी है वो जो मुझे अब जो मेरा अपना भी, जी हाँ, फिल्म का आज की का नाम है हीर रांझा। हीर रांझा जो 1970 में बनी हुई हिंदी फिल्म है, और ये एक केतन आनंद द्वारा निर्मित और चेतन आनंद द्वारा निर्देशित फिल्म है, और इस फिल्म की मुख्य भूमिका में राजकुमार, प्रिया राजवंश, प्राण पृथ्वीराज कपूर, अजीत, जयचंद, सोनिया साहनी, कामनी शुक्ल, इंद्राणी मुखर्जी, और साथ में तुन तुन भी है। और जो फिल्म का संगीत जो है मदन मोहन मालवीय ने दिया है, और ये बॉक्स ऑफिस में बड़ी सुपरहिट फिल्म है। ये जो फिल्म है ये एक कहानी पर आधारित है हीर रांझा की। हीर रांझा एक महाकाव्य है जो पंजा जो हीर पंजाबी कवि द्वारा 1766 में लिखा गया है। वो पूरी की पूरी फिल्म इसमें एक कविता की तरह है, वो जो संवाद लिखे हैं कविता में कैफी आजमी के हैं। तो मैंने तो ये 3-4 बार ये फिल्म देखी है, तो उतनी बार ही जितनी बार देखता हूँ उतनी बार अच्छी लगी, और इसके जो गाने संगीत तो बहुत ही अच्छे हैं, जिसके लिए चेतन आनंद के भी सांग, और इसकी जो फोटोग्राफी किया है वो जल मिस्त्री ने किया, और इस फिल्म ने फिर। अब बात करते हैं इस फिल्म की स्टोरी के बारे में, सबसे पहले बात करते हैं इस फिल्म की स्टोरी। तो ये जो कहानी है इस फिल्म में, ये उस टाइम के जब भारत पाकिस्तान एक थे अर्थात उनका बंटवारा नहीं हुआ, और जो हीर रांझा की जो अद्भुत प्रेम कहानी है ये पाकिस्तान से शुरू हुई, और रांझा का जन्म जो है पाकिस्तान में चिनाब नदी के पास तख्त हजारा नामक ग्राम में हुआ था, और उसका असली नाम डीडो था और रांझा तो उसका उपमान था, और रांझा के पिता उस गांव के जमींदार थे, प्रमुख जमींदार, और जिनका नाम जो चौधरी के नाम से फेमस थे, और ये 4 भाई थे और ये सबसे छोटे थे चारों भाई। और जो रांझा का रोल है वो राजकुमार जी ने किया हुआ है, उसके डायलॉग तो बड़े फेमस है राजकुमार जी के। वो चारों भाइयों में सबसे छोटे होने के कारण ये अपने पिता के सबसे ज्यादा प्रिय पुत्र थे। इनके तीनों भाई अपनी खेती में कड़ी मेहनत करते थे, लेकिन पिता के अधिक लाड़े होने के कारण अपने भाइयों के काम में
हाथ ना बटा के हमेशा बांसुरी बजाया करते थे। तो इन्हीं की वजह से इनके भाई इनको उतना प्यार और सम्मान नहीं देते थे, क्योंकि ये कुछ काम नहीं करते। जब इनकी 12 साल उम्र थी तो इनके पिताजी का साया उठ गया। कुछ बातों को लेकर उनका भाइयों में जो है विवाद हो गया, और वे जो है एक सारा दिन जो राजा है अपने एक पेड़ के नीचे बैठ के बांसुरी बजाया करता था और अपनी होने वाली शहजादी के बारे में सोचा करता था। तो बचपन से ऐसा था, उसे खुशबू से उसने मन में ना अपनी एक होने वाली पत्नी या शहजादी की मन में एक तस्वीर बना ली। वो सारा दिन उसी के बारे में सोचता रहता। तो एक बार वहां से एक पीर ने देखा और उसे पूछा कि तुम इतने दुखी क्यों? तो राजा ने उन्हें वो अपना एक खुद का गीत सुनाया जिसमें उन्होंने बताया। तो उसने कहा कि भाई ये तुम्हारी शत्रुओं की शहजादी केवल हीर नाम की लड़की बनेगी। तो इतनी बात सुन के वो हीर की से मुलाकात करने चला गया। तो चलते चलते दूसरे गांव पहुंच गया जो हीर का गांव था। और हीर का जो जन्म था सियाल जनजाति के संपन्न राजा जाट में जाट परिवार में हुआ था। उस समय हीर को देखते थे सपनों की शहजादी है। तो उसने हीर के यहाँ जो है जाके वहाँ पे वो हीर को बात बताई। तो हीर की उसकी बहने वहने ने कुल मिला के उसको उसके घर पे ले गए, उसे रांझे को नौकरी पर रख लिया। और रांझे को जो है वो उसका जो उसको भैंस भैंस होती है उनका वैसे चराने का काम सौंप दिया। और वहीं चराता रहता तो वहीं वो बांसुरी बजाता था। तो इसी बात को वो हीर का रांझे के प्रति प्यार पड़ता गया। फिर इसी बात में जो इसके चाचा को पता लग गई, जो हीर के चाचा को पता लग गई तो उसने अपनी ये बात उसके बता दी, अपने पूरे परिवार को बताई। तो उन्हें नौकरी से निकाल दिया और साथ में जो है उसे बोल दिया कि भाई तुमने। लेकिन क्या है कि वो हीर के घर जब हीर को के पापा को पता लगता है इसके बाप, तो हीर जो है वहाँ पे उसका बाप उसकी शादी तय करने के, वो कहा ठीक है भाई हम तुम्हारी शादी कर देते हैं। तो उनके घर में बोलते हैं कि जाओ भाई तुम इस दिन के लिए सगाई ले आना है राजे के घर से। तो राजे के घर से वहाँ से चलते हैं। लेकिन जो उसका चाचा था हीर का, उसने क्या किया कि जैसे वो गांव में पहुंचे तो उसके आदमियों ने उसको पीट दिया उसके घर वालों को। तो वो पहुंचे नहीं उधर, उसके चाचा ने उसके पिता से बोला कि भाई ऐसा है कि भाई वो तो आए नहीं है और अब तुम्हारी बेइज्जती होगी। तो फिर जो है उसने उससे तो सगाई छोड़ दी और रांझे को वहां से भगा दिया पुलिस, और जो है उसकी शादी एक दूसरी जगह कर दी। तो उसने निकाह तो कर लिया मौलवी के दबाव में आके, लेकिन ये राजा दुखी हुआ और वहां से वो फकीर बन के चला गया। तो राजा इधर उधर खूब घूमता रहा। तो धीरे धीरे क्या हुआ, उसने तभी ये गाना चलता है ये दुनिया ही में फिर मेरे काम की नहीं। तो ये घूमता घूमता ये उसी शहर में पहुंच जाता है, गांव में पहुंच जाता है जहाँ पे हीर की शादी हुई हुई रहती है। तो वहां जैसे ये भीख मांगने पहुंचता है तो वो ये जोगी की आवाज सुनता है तो वो पहचान लेती है। तो देखते रहते हैं तो वो आता उठ के। तो एक बार ना वो बीमार हो जाती है और जो है उसका कोई इलाज नहीं कर पाया हीर का। तो उसे फकीर के द्वारा ले जाते हैं तो वहाँ इलाज करता है वो हीर को। तो वो एक्चुअली कुछ और ही रोग था तो वो सही होने लगती है। लेकिन इस बात का पता उसकी ननंद को लग जाता है। जब ननंद को लग जाता है तो वो बताती है घर पे। तो ये वहाँ से भाग निकल जाते हैं, मतलब भाग जाते हैं। तो वहाँ पे ये पकड़ ले जाते हैं राजा के सिपाही द्वारा, वहाँ पे दरबार में पेश किया जाता है। तो राजा को ये अपनी पूरी कहानी बताते हैं। तो फिर वहाँ पे ये होता है कि राजा बोलता है भाई इस मौलवी को लाओ। तो हीर बोलते हैं भाई मैंने तो निकाह के लिए वो ही नहीं किया था। तो वो बोलते मौलवी को जब राजा धमका के पूछता है तो मौलवी सच बोल देता है कि हाँ मैंने मतलब लालच में आके और बोला था कि भाई इसने तो मना किया था, इसको मैंने हाँ बना दिया था। ठीक है, तो राजा बोलता है नहीं भाई तो गलत है तुमने ऐसा किया क्या। तो वो बोलता है ठीक है भाई तुम जाओ और एक दूसरे से ब्याह कर ले। ठीक है, तो अब क्या है कि वो विवाह की तैयारी होगी। हीर जो अपने घर आ राजा अपने घर, राजा जब बारात लेके आया तो वो साथ इनका निकाह हो गया। निकाह होने के बाद जो है तो उसका चाचा जो जो प्राण था प्राणी की निभाया उसका रोल। तो वहाँ पे वो आता है तो उसे
एक वो खिलाता है लड्डू, मतलब पेड़ा टाइप का होता है, और उसे खा लेती है चलते हुए। तो उसमें क्या होता है, जहर मिला होता है। ठीक है, तो वो डोली में बैठ जाती है और चले जाती है। जब वहाँ जाके डोली से उतारते हैं तो वहाँ पे वहाँ हीरे जो मरे हुए मिलती है। तो जैसे ही लोग देखते हैं ये क्या हुआ, तो राजा देखता है, तो राजा भी जो है अपनी जो तलवार वो होती है, कटार होती है, उसको उसको मार के अपने आप को अपने भी प्लान तोड़ देता है। तो इस प्रकार क्या होता है कि दोनों की दोनों लास्ट में जान दे देती है। तो ये पूरी कहानी है और ये पूरी का फिल्म है। आप बात करें फिल्म की बाकी की, तो इसमें फिल्म में जो है जो रांझे का रोल राजकुमार ने किया है, बात किस किसने क्या रोल किया, तो प्रिया राजवंश जो इसमें हीर बनी है, प्राण छोटे छोटे बने, मतलब इसके चाचा पृथ्वीराज कपूर वो राजा बने हैं, और जो शहीदा का रोल अजीत ने किया है, और चौधरी जयंत बने हैं, और जो काजी का रोल है जो झूठ बोलता है वो जीवन ने किया है, और नाना पुलिस का जो है राजा का दीवान बना है, और जो तुन-तुन है वो अल्लाह राखी बनी है, और इसमें जो है अंचला सचदेव, सात पंचदन, शौकत आजमी और पंत खन्ना और मनमोहन सिंह ने भी किया है। जो बात करें इसको, तो इसमें किया है जो इसका निर्देश कला निर्देशक सौंदर राय ने किया है, और नृत्य निर्देशन जो है दूरदर्शन धीर गोपी किशन ने किया है। अब बात करते हैं इसमें कौन कौन से गाने थे, तो गाने को तो बस पूछो मत, आप इतने अच्छे गाने थे, आप सुनो तो मतलब आपका 10 बार भी सुनोगे तो आपका मन करता रहेगा। तो उन गानों में जो था सबसे पहला जो मिलो ना हम तो तुम घबराए, तो ये लता मंगेशकर ने गाना गाया था, और ये तब इनका प्यार था जब चलता था। और एक ये है दिल तो मत करो दिल से करो, ये भी लता मंगेशकर ने गाया है। डोली चढ़ते ही ये भी लता मंगेशकर गाया है। मेरी धुनी में तुम आए हो, ये भी लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में है। और साथ में तेरे कोचे में तेरा दीवाना, ये रफ़ी साहब की आवाज़ में है। क्या आवाज़ है! वो जो सबसे फेमस गाना है इस फिल्म का वो है ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की, इसको आवाज़ दी है रफ़ी साहब ने। और इसका लास्ट जो गाना है वह नाचे आगे वे, तो ये बिकम शमशाद बेगम और जगदीश कौर ने। अब बात करें इसके फिल्म के जो पुरस्कारों की है, तो फिल्म का पुरस्कार को क्या क्या पुरस्कार मिले, तो सन 1971 में जो फिल्म फेयर अवार्ड है इस फिल्म को मिला है, और जो इस फिल्म के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफर का जो पुरस्कार मिलता है वो जल मिस्त्री को मिला इसी के लिए। और इसका जो पूरा का पूरा अभी मैंने आपको बताया, तो ये बहुत ही अच्छी फिल्म है, आपको जरूर देखनी चाहिए इस फिल्म को। पुरानी फिल्म है, जितने भी हीर रांझा के वर्जन बने हैं, तो मुझे तो इसमें सबसे अच्छा तो हीर रांझा का, मतलब एक ऋषि कपूर की भी बनी है हीर रांझा, वो एक तो बहुत बनी है, कई वर्जन बन चुके हैं हीर रांझा की कहानी को लेकर। जो सबसे अच्छी जो फिल्म बनी है वो जो मुझे अब जो मेरा अपना भी, जी हाँ, फिल्म का आज की का नाम है हीर राँझा। हीर राँझा जो 1970 में बनी हुई हिंदी फिल्म है, और ये एक केतन आनंद द्वारा निर्मित और चेतन आनंद द्वारा निर्देशित फिल्म है। और इस फिल्म की मुख्य भूमिका में राजकुमार, प्रिया राजवंश, प्राण पृथ्वीराज कपूर, अजीत जयचंद, सोनिया साहनी, कामनी शुक्ल, इंद्राणी मुखर्जी, और साथ में तुन तुन भी है। और जो फिल्म का संगीत जो है मदन मोहन मालवीय ने दिया है, और ये बॉक्स ऑफिस में बड़ी सुपरहिट फिल्म है। और ये जो फिल्म है ये एक कहानी पर आधारित है हीर रांझा की। हीर रांझा एक महाकाव्य है जो जो हीर पंजाबी कवि द्वारा 1766 में लिखा गया है। वो पूरी की पूरी फिल्म इसमें एक कविता की तरह है, और जो संवाद लिखे हैं कविता में कैफी आजमी के। तो मैंने तो ये 3-4 बार ये फिल्म देखी, तो उतनी बार ही जितनी बार देखता हूँ उतनी बार अच्छी लगी। और इसके जो गाने संगीत तो बहुत ही अच्छे हैं, जिसके लिए चेतन आनंद के भी सॉन्ग, और इसकी जो फोटोग्राफी किया है वो जल मिस्त्री ने किया, और इस फिल्म ने फिर। अब बात करते हैं इस फिल्म की स्टोरी के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं इस फिल्म की स्टोरी। तो ये जो कहानी है इस फिल्म में, ये उस टाइम के जब भारत पाकिस्तान एक थे, अर्थात उनका बंटवारा नहीं हुआ,
और जो हीर रांझा की जो अद्भुत प्रेम कहानी है ये पाकिस्तान से शुरू हुई, और रांझा का जन्म जो है पाकिस्तान में चिनाब नदी के पास तख्त हजारा नामक ग्राम में हुआ था, और उसका असली नाम डीडो था और रांझा तो उसका उपमान था। और रांझा के पिता उस गांव के जमींदार थे, प्रमुख जमींदार, और जिनका नाम जो चौधरी के नाम से फेमस थे। और ये चार भाई थे और ये सबसे छोटे थे चारों भाई। और जो रांझा का रोल है वो राजकुमार जी ने किया हुआ है, उसके डायलॉग तो बड़े फेमस है राजकुमार जी के। और चारों भाइयों में सबसे छोटे होने के कारण ये अपने पिता के सबसे ज्यादा प्रिय थे। इनके तीनों भाई अपनी खेती में कड़ी मेहनत करते थे, लेकिन पिता के अधिक लाडले होने के कारण अपने भाइयों के काम में हाथ ना बटा के हमेशा बांसुरी बनाया करते थे। तो इन्हीं की वजह से इनके भाई इनको उतना प्यार और सम्मान नहीं देते थे, क्योंकि ये कुछ काम नहीं करते। जब इनकी 12 साल उम्र थी तो इनके पिताजी का साया उठ गया। कुछ बातों को लेकर उनका भाइयों में जो है विवाद हो गया, और वे जो है सारा दिन जो राजा अपने एक पेड़ के नीचे बैठ के बांसुरी बजाया करता था और अपनी होने वाली शहजादी के बारे में सोचा करता था। तो बचपन से ऐसा था, उसे खुशबूदी से उसने मन में ना अपनी एक होने वाली पत्नी या शहजादी की मन में एक तस्वीर बना ली। वो सारा दिन उसी के मन बारे में सोचता रहता। तो एक बार वहां से एक पीर ने देखा और उसे पूछा कि तुम इतने दुखी क्यों? तो राजा ने उन्हें वो अपना एक खुद का गीत सुनाया, जिसमें उन्होंने बताया। तो उसने कहा कि भई ये तुम्हारी शत्रु की शहजादी केवल हीर नाम की लड़की बनेगी। तो इतनी बात सुन के वो हीर की से मुलाकात करने चला गया। तो चलते चलते दूसरे गांव पहुंच गया जो हीर का गांव था, और हीर का जो जन्म था सियाल जनजाति के संपन्न राजा जाट में जाट परिवार में हुआ था। उस समय हीर को देखते थे सपनों की शहजादी है। तो उसने हीर के यहाँ जो है जाके वहाँ पे वो हीर को बात बताई, तो हीर की उसकी बहने वहने ने कुल मिला के उसको उसके घर पे ले गए, उसे रांझे को नौकरी पर रख लिया। और रांझे को जो है वो उसका जो उसको भैंस भैंस होती है उनका मवेशियों को चराने का काम सौंप दिया, और वहीं चराता रहता तो वहीं वो बांसुरी बजाता था। तो इसी बात को वो हीर का रांझे के प्रति प्यार बढ़ता गया। फिर इसी बात में जो इसके चाचा को पता लग गई, जो हीर के चाचा को पता लग गई, तो उसने अपनी ये बात उसके बता दी, अपने पूरे परिवार को बताई। तो उन्हें नौकरी से निकाल दिया और साथ में जो है उसे बोल दिया कि भाई तुमने। लेकिन क्या है कि वो हीर के घर जब हीर को के पापा को पता लगता है इसके बाप, तो हीर जो है वहाँ पे उसका बाप उसकी शादी तय करने के बोलता है, ठीक है भाई हम तुम्हारी शादी ये कर देते हैं। तो उनके घर में बोलते हैं कि जाओ भाई तुम इस दिन के लिए सगाई ले आना है रांझे के घर से। तो रांझे के घर से वहां से चलते हैं, लेकिन जो उसका चाचा था हीर का, उसने क्या किया कि जैसे वो गाँव में पहुंचे तो उसके आदमियों ने उसको पीट दिया, उसके घर वालों को। तो वो पहुंचे नहीं उधर, उसके चाचा ने उसके पिता से बोला कि भाई ऐसा है कि भाई वो तो आए नहीं है और अब तुम्हारी बेइज्जती होगी। तो फिर जो है उसने उससे तो सगाई छोड़ दी और रांझे को वहां से भगा दिया पूरी, और जो है उसकी शादी एक दूसरी जगह कर दी। तो उसने निकाह तो कर लिया मौलवी के दबाव में आके, लेकिन ये राजा दुखी हुआ और वहां से वो फकीर बन के चला गया। तो राजा इधर उधर खूब घूमता रहा। तो धीरे धीरे क्या हुआ, उसने तभी ये गाना चलता है, ये दुनिया ही में फिर मैं काम की नहीं। तो ये घूमता घूमता ये उसी शहर में पहुंच जाता है, गांव में पहुंच जाता है जहाँ पे हीर की शादी हुई हुई रहती है। तो वहां जैसे ये भीख मांगने पहुंचता है तो वो ये जोगी की आवाज सुनता है, तो वो पहचान लेती है। तो देखते रहते हैं तो वो आता उठ के। तो एक बार ना ही वो बीमार हो जाती है और जो है उसका कोई इलाज नहीं कर पाया हीर का, तो वो उसे फकीर के द्वारा ले जाते हैं। तो वहां इलाज करता है वो हीर को, तो वो एक्चुअली कुछ और ही रोग था, तो वो सही होने लगती है। लेकिन इस बात का पता उसकी ननंद को लग जाता है। जब ननंद को लग जाता है तो वो बताती है घर पे, तो ये वहां से भाग निकल जाते हैं, मतलब भाग जाते हैं। तो वहां पे ये पकड़ ले जाते हैं राजा के सिपाही द्वारा, वहां पे दरबार में पेश किया जाता है। तो राजा को ये अपनी पूरी कहानी बताते हैं। तो
फिर वहाँ पे ये होता है कि राजा बोलता है भाई इस मौलवी को लाओ। तो हीर बोलते भाई मैंने तो निकाह के लिए वो ही नहीं किया था। तो वो बोलते मौलवी को जब राजा धमका के पूछता है तो मौलवी सच बोल देता है कि हाँ मैंने मतलब लालच में आके और बोला था कि भाई इसने तो मना किया था, इसको मैंने हाँ बना दिया था। ठीक है, तो राजा बोलता नहीं भाई तो गलत है, तुमने ऐसा किया क्या। तो वो बोलता है ठीक है भाई तुम जाओ और एक दूसरे से ब्याह कर ले। ठीक है, तो अब क्या है कि वो विवाह की तैयारी होगी, ही जो अपने घर आया, राजा अपने घर, राजा जब बारात लेके आया तो वो साथ इनका निकाह हो गया। निकाह होने के बाद जो है तो उसका चाचा जो जो प्राण था, प्राणी की निभाया उसका रोल, तो वहाँ पे वो आता है तो उसे एक वो खिलाता है लड्डू, मतलब पेड़ा टाइप का होता है और उसे खा लेती चलते हुए। तो उसमें क्या होता है, जहर मिला होता है। ठीक है, तो वो डोली में बैठ जाती है और चले जाती है। जब वहाँ जाके डोली से उतारते हैं तो वहाँ पे वहाँ हीर जो मरे हुए मिलती है। जैसे ही लोग देखते हैं ये क्या हुआ, तो राजा देखता है, तो राजा भी जो है अपनी जो तलवार वो होती है कटार होती है उसको उसको मार के अपने आप को अपने प्राण तोड़ देता है। तो इस प्रकार क्या होता है कि दोनों की दोनों लास्ट में जान दे देती है। तो ये पूरी कहानी है और ये पूरी का फिल्म है। आप बात करें फिल्म की बाकी की, तो इसमें फिल्म में जो है जो रांझे का रोल राजकुमार ने किया है, बात किस किस ने क्या रोल किया है, तो प्रिया राजवंश जो इसमें हीर बनी है, प्राण छोटे छोटे बने हैं मतलब इसके चाचा पृथ्वीराज कपूर वो राजा बने हैं, और जो शहीदा का रोल अजीत ने किया है, और चौधरी जयंत बने हैं, और जो काजी का रोल है जो झूठ बोलता है वो जीवन ने किया है, और नाना पुलिस का जो है राजा का दीवान बना है, और जो तुन-तुन है वो अल्लाह राखी बनी है, और इसमें जो है अंचला सचदेव, सात पंचतन, शौकत आजमी और पंत खन्ना और मनमोहन सिंह ने भी किया है। जो बात करें इसको तो इसमें किया है जो इसका निर्देश कला निर्देशक समुद्र राय ने किया है, और नृत्य निर्देशन जो है दूरदर्शन धीर गोपी किशन ने किया है। अब बात करते हैं इसमें कौन कौन से गाने थे, तो गाने को तो बस पूछो मत, आप इतने अच्छे गाने थे, आप सुनो मतलब आपका 10 बार भी सुनोगे तो आपका मन करता रहेगा। तो उन गानों में जो था सबसे पहला जो मिलो ना हम तो तुम घबराए, तो ये लता मंगेशकर ने गाना गाया था और ये तब इनका प्यार था जब चलता था। और एक ये है दिल तो मत करो दिल से करो, ये भी लता मंगेशकर ने गाया है। डोली चढ़ते ही ये भी लता मंगेशकर गाया है। मेरी धुनी में तुम आए हो ये भी लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में है, और साथ में तेरे कोचे में तेरा दीवाना ये रफ़ी साहब की आवाज़ में है। क्या आवाज़ है। वो जो सबसे फेमस गाना है इस फिल्म का वो है ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की, इसको आवाज़ दी है रफ़ी साहब ने। और इसका लास्ट जो गाना है वह नाचे आगे वे, तो ये बेगम शमशाद बेगम और जगदीश कौर ने। अब बात करें इसके फिल्म के जो पुरस्कारों की है, तो फिल्म का पुरस्कार को क्या क्या पुरस्कार मिले, तो सन 1971 में जो फिल्म फेयर अवार्ड है इस फिल्म को मिला है, और जो इस फिल्म के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफर का जो पुरस्कार मिलता है वो जल मिस्त्री को मिला इसी के लिए। और इसका जो पूरा का पूरा अभी मैंने आपको बताया, तो ये बहुत ही अच्छी फिल्म है, आपको जरूर देखनी चाहिए इस फिल्म को, पुरानी फिल्म है। जितने भी हीर रांझा के वर्जन बने हैं तो मुझे तो इसमें सबसे अच्छा तो हीर रांझा का मतलब एक ऋषि कपूर की भी बनी है हीर रांझा, वो एक तो और बनी है, कई वर्जन बन चुके हैं हीर रांझा की कहानी को लेकर। जो सबसे अच्छी जो फिल्म बनी है वो जो मुझे अब जो मेरा अपना भी, जी हाँ, फिल्म का आज की का नाम है हीर रांझा। हीर रांझा जो 1970 में बनी हुई हिंदी फिल्म है, और ये एक केतन आनंद द्वारा निर्मित और चेतन आनंद द्वारा निर्देशित फिल्म है, और इस फिल्म की मुख्य भूमिका में राजकुमार, प्रिया राजवंश, प्राण पृथ्वीराज कपूर, अजीत जयचंद, सोनिया साहनी, कामनी शुक्ल, इंद्राणी मुखर्जी, और साथ में तुन-तुन भी है। और जो फिल्म का संगीत जो है मदन मोहन मालवीय ने दिया है, और ये बॉक्स ऑफिस में बड़ी सुपरहिट फिल्म है। ये जो फिल्म है ये एक कहानी पर आधारित है हीर रांझा की। हीर रांझा एक महाकाव्य है जो पंजाब जो हीर पंजाबी कवि द्वारा
1766 में लिखा गया है। वो पूरी की पूरी फिल्म इसमें एक कविता की तरह है, वो जो संवाद लिखे हैं कविता में कैफी आजमी के। तो मैंने तो ये 3-4 बार ये फिल्म देखी, जो उतनी बार ही जितनी बार देखता हूँ उतनी बार अच्छी लगी। और इसके जो गाने संगीत तो बहुत ही अच्छे हैं, जिसके लिए चेतन आनंद के जी सॉन्ग, और इसकी जो फोटोग्राफी किया है वो जलमिस्त्री ने किया। और इस फिल्म ने फिर अब बात करते हैं इस फिल्म की स्टोरी के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं इस फिल्म की स्टोरी। तो ये जो कहानी है इस फिल्म में, ये उस टाइम के जब भारत पाकिस्तान एक थे, अर्थात उनका बंटवारा नहीं हुआ। और जो हीर रांझा की जो अद्भुत प्रेम कहानी है, ये पाकिस्तान से शुरू हुई। और रांझा का जन्म जो है पाकिस्तान में चिनाब नदी के पास तख्त हजारा नामक ग्राम में हुआ था, और उसका असली नाम डीडो था और रांझा तो उसका उपमान था। और रांझा के पिता उस गांव के जमींदार थे, प्रमुख जमींदार, और जिनका नाम जो चौधरी के नाम से फेमस थे। और ये 4 भाई थे और ये सबसे छोटे थे चारों भाई। और जो रांझा का रोल है वो राजकुमार जी ने किया हुआ है। उसके डायलॉग तो बड़े फेमस है राजकुमार जी के। वो चारों भाइयों में सबसे छोटे होने के कारण ये अपने पिता के सबसे ज्यादा बिजी थे। इनके तीनों भाई अपनी खेती में कड़ी मेहनत करते थे, लेकिन पिता के अधिक लाड़े होने के कारण अपने भाइयों के काम में हाथ ना बटा के हमेशा बांसुरी बनाया करते थे। तो इन्हीं की वजह से इनके भाई इनको उतना प्यार और सम्मान नहीं देते थे, क्योंकि ये कुछ काम नहीं करते। जब इनकी 12 ही साल उम्र थी तो इनके पिताजी का साया उठ गया। कुछ बातों को लेकर उनका भाइयों में जो है विवाद हो गया, और वे जो है एक सारा दिन जो राजा है अपने एक पेड़ के नीचे बैठ के बांसुरी बजाया करता था और अपनी होने वाली शहजादी के बारे में सोचा करता था। तो बचपन से ऐसा था, उसे खुशबू से उसने मन में ना अपनी एक होने वाली पत्नी या शहजादी की मन में एक तस्वीर बना ली। वो सारा दिन उसी के मन बारे में सोचता रहता। तो एक बार वहां से एक पीर ने देखा और उसे पूछा कि तुम इतने दुखी क्यों हो। तो राजा ने उन्हें वो अपना एक खुद का गीत सुनाया, जिसमें उन्होंने बताया। तो उसने कहा कि भई ये तुम्हारी शत्रुओं की शहजादी केवल हीर नाम की लड़की बनेगी। तो इतनी बात सुन के वो हीर की से मुलाकात करने चला गया। तो चलते चलते दूसरे गांव पहुंच गया जो हीर का गांव था। और हीर का जो जन्म था सियाल जनजाति के संपन्न राजा जाट में, जाट परिवार में हुआ था। उस समय हीर को देखते थे सपनों की सजा दी है। तो उसने हीर के यहाँ जो है जाके वहाँ पे वो हीर को बात बताई। तो हीर की उसकी बहने वहने ने कुल मिला के उसको उसके घर पे ले गए, उसे रांझे को नौकरी पर रख लिया। और रांझे को जो है वो उसका जो उसको भैंस भैंस होती है उनका, वैसे वो चराने का काम सौंप दिया। और वहीं चराता रहता तो वहीं वो बांसुरी बजाता रहता। तो इसी बात को वो हीर का रांझे के प्रति प्यार बढ़ता गया। फिर इसी बात में जो इसके चाचा को पता लगी, जो हीर के चाचा को पता लगी, तो उसने अपनी ये बात उसके बता दी, अपने पूरे परिवार को बताई। तो उन्हें नौकरी से निकाल दिया और साथ में जो है उसे बोल दिया कि भाई तुमने। लेकिन क्या है कि वो हीर के घर जब हीर को के पापा को पता लगता है इसके बाप, तो हीर जो है वहाँ पे उसका बाप उसकी शादी तय करने के बोलता, ठीक है भाई हम तुम्हारी शादी कर देते हैं। तो उनके घर में बोलते हैं कि जाओ भाई तुम इस दिन के लिए सगाई ले आना है रांझे के घर से। तो रांझे के घर से वहाँ से चलते हैं। लेकिन जो उसका चाचा था हीर का, उसने क्या किया कि जैसे वो गांव में पहुंचे तो उसके आदमियों ने उसको पीट दिया, उसके घर वालों को। तो वो पहुंचे नहीं उधर, उसके चाचा ने उसके पिता से बोला कि भाई ऐसा है कि भाई वो तो आए नहीं है और अब तुम्हारी बेइज्जती होगी। तो फिर जो है उसने उससे तो सगाई छोड़ दी और रांझे को वहां से भगा दिया पूरी, और जो है उसकी शादी एक दूसरी जगह कर दी। तो उसने निकाह तो कर लिया मौलवी के दबाव में आके, लेकिन ये राजा दुखी हुआ और वहां से वो फकीर बन के चला गया। तो राजा इधर उधर खूब घूमता रहा। तो धीरे धीरे क्या हुआ, उसने तभी ये गाना चलता है, ये दुनिया ही में फिर मैं काम की नहीं। तो ये घूमता घूमता ये उसी शहर में पहुंच जाता है, गांव में पहुंच जाता है जहाँ पे हीर की शादी हुई हुई रहती है। तो वहां जैसे ये भीख मांगने पहुंचता है तो वो ये
जोगी की आवाज़ सुनता है तो वो पहचान लेती है, तो देखते रहते हैं तो वो आता उठ के। तो एक बार ना वो बीमार हो जाती है और जो है उसका कोई इलाज नहीं कर पाया हीर का, तो वो उसे फकीर के द्वारा ले जाते हैं, तो वहाँ इलाज करता है वो हीर को, तो वो एक्चुअली कुछ और ही रोग था, तो वो सही होने लगती है। लेकिन इस बात का पता उसकी ननंद को लग जाता है। जब ननंद को लग जाता है तो वो बताती है घर पे, तो ये वहाँ से भाग निकल जाते हैं, मतलब भाग जाते हैं। तो वहाँ पे ये पकड़ ले जाते हैं राजा के सिपाही द्वारा, वहाँ पे दरबार में पेश किया जाता है। तो राजा को ये अपनी पूरी कहानी बताते हैं। तो फिर वहाँ पे ये होता है कि राजा बोलता है भाई इस मौलवी को लाओ। तो हीर बोलते हैं भाई मैंने तो शादी निकाह के लिए वही नहीं किया था। तो वो बोलते मौलवी को जब राजा धमका के पूछता है तो मौलवी सच बोल देता है कि हाँ मैंने मतलब लालच में आके और बोला था कि भाई इसने तो मना किया था, इसको मैंने हाँ बना दिया था। ठीक है, तो राजा बोलता नहीं भाई तो गलत है, तुमने ऐसा किया क्या। तो वो बोलता है ठीक है भाई तुम दोनों जाओ और एक दूसरे से ब्याह कर ले। ठीक है, तो अब क्या है कि वो विवाह की तैयारी होगी, जो अपने घर आ राजा अपने घर, राजा जब बारात लेके आया तो वो साथ इनका निकाह हो गया। निकाह होने के बाद जो है तो उसका चाचा जो जो प्राण था, प्राणी की निभाया उसका रोल, तो वहाँ पे वो आता है तो उसे एक वो खिलाता है लड्डू, मतलब पेड़ा टाइप का होता है, और उसे खा लेती चलते हुए। तो उसमें क्या होता है जहर मिला होता है। ठीक है, तो वो डोली में बैठ जाती है और चले जाती है। जब वहाँ जाके डोली से उतारते हैं तो वहाँ पे तो हीरे जो मरे हुए मिलती है। तो जैसे ही लोग देखते हैं ये क्या हुआ, तो राजा देखता है, तो राजा भी जो है अपनी जो तलवार वो होती है कटार होती है उसको उसको मार के अपने आप को अपने भी प्राण तोड़ देता है। तो इस प्रकार क्या होता है कि दोनों की दोनों लास्ट में जान दे देती है। तो ये पूरी कहानी है और ये पूरी का फिल्म है। आप बात करें फिल्म की बाकी की, तो इसमें फिल्म में जो है जो रांझे का रोल राजकुमार ने किया है, बात किस किस ने क्या रोल किया है, तो प्रिया राजवंश जो इसमें हीर बनी है, प्राण छोटे छोटे बने, मतलब इसके चाचा पृथ्वीराज कपूर वो राजा बने हैं, और जो शहीदा का रोल अजीत ने किया है, और चौधरी जयंत बने हैं, और जो काजी का रोल है जो झूठ बोलता है वो जीवन ने किया है, और नाना पुलिस का जो है राजा का दीवान बना है, और जो तुनतुन है वो अल्लाह राखी बनी है, और इसमें जो है अंचला सचदेव, सरपंच दन, शौकत आजमी और पंत खन्ना और मनमोहन सिंह ने भी किया है। जो बात करें इसको तो इसमें किया है जो इसका निर्देश कला निर्देश है वो सौंदर राय ने किया है, और नृत्य निर्देशन जो है दूरदर्शन धीर गोपी किशन ने किया है। अब बात करते हैं इसमें कौन कौन से गाने थे, तो गाने को तो बस पूछो मत, आप इतने अच्छे गाने थे, आप सुनो मतलब आपका 10 बार भी सुनोगे तो आपका मन करता रहेगा। तो उन गानों में जो था सबसे पहला जो मिलो ना हम तो तुम घबराए, तो ये लता मंगेशकर ने गाना गाया था, और ये तब इनका प्यार था जब चलता था। और एक ये है दिल तो मत करो दिल से करो, ये भी लता मंगेशकर ने गाया है। डोली चढ़ते ही ये भी लता मंगेशकर गाया है। मेरी धुनी में तुम आए हो ये भी लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में है। और साथ में तेरे कोचे में तेरा दीवाना ये रफ़ी साहब की आवाज़ में है। क्या आवाज़ है। वो जो सबसे फेमस गाना है इस फिल्म का वो है ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की, इसको आवाज़ दी है रफ़ी साहब ने। और इसका लास्ट जो गाना है वह नाचे आगे वे, तो ये बेगम शमशाद बेगम और जगदीश कौर ने। अब बात करें इसके फिल्म के जो पुरस्कारों की है, तो फिल्म का पुरस्कार को क्या क्या पुरस्कार मिले, तो सन 1971 में जो फिल्म फेयर अवार्ड है इस फिल्म को मिला है, और जो इस फिल्म के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफर का जो पुरस्कार मिलता है वो जल मिस्त्री को मिला है इसी के लिए। और इसका जो पूरा का पूरा अभी मैंने आपको बताया, तो ये बहुत ही अच्छी फिल्म है, आपको जरूर देखनी चाहिए इस फिल्म को, पुरानी फिल्म है। जितने भी हीर रांझा के वर्जन बने हैं तो मुझे तो इसमें सबसे अच्छा तो हीर रांझा का, मतलब एक ऋषि कपूर की भी बनी है हीर रांझा, वो एक तो और बनी है, कई वर्जन बन चुके हैं हीर रांझा की कहानी को लेकर। जो सबसे अच्छी जो फिल्म बनी है वो जो मुझे अब जो मेरा अपना व्यू है सबसे अच्छी मुझे ये राजकुमार वाली जो 1970 की है ये मुझे सबसे अच्छी लगी। और इसमें एक्चुअली
दो प्रेमियों के दर्द को साझा किया गया है। और इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा करूंगा, लेकिन आपसे पहले मैं रिक्वेस्ट है या गुजारिश है आप लोगों से कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आप बताओ आप कौन सी मूवी पसंद करते हो, तो ऐसी फिल्म आपके लिए लेके आते रहेंगे। वो जो पुरानी पुरानी ऐसी फिल्में जिनके बारे में आप सोचोगे, इनके आप हो सकता है कि गाने तो रोज़ सुनते हो, संगीत रोज़ सुनते हो, लेकिन कभी आपने सोचा नहीं हो कि भाई ये फिल्म कौन सी है। लेकिन ऐसी फिल्म आपके लिए हम उनके कुछ रिव्यू और उनके कुछ अनसुने फैक्ट ये सारे आपके लिए लेके आते रहेंगे। और इसी के साथ आप लोगों से मैं इजाज़त लेना चाहूँगा और बाय बाय।